हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने अभी तक के अपने होमवर्क और क्लासेस सभी कंप्लीट कर ली होंगी। तो आज की इस क्लास में, जिसमें मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इनकम अंडर हेड पीजीवीपी, जो कि क्लास नंबर 9 है, इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे कुछ और प्रोविजन इनकम अंडर हेड पीजीवीपी में ही। तो आज की इस क्लास में मैं आपको लगभग लगभग कह सकता हूँ 5 या 6 कुछ प्रोविजंस पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी पीजीवीपी की, उसमें मैं आपसे फिर दूसरे प्रोविजंस की बात करूंगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली दी नेक्स्ट क्लास विल बी दी लास्ट क्लास ऑफ दिस हेड। तो पीजीवीपी हेड पर जो अगली क्लास होगी, क्लास नंबर 10, वो इस हेड की लास्ट क्लास होगी। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस के लिए आई विल बी देयर ऑन द लाइव सेशन, जहां पर मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन बैंक अभी मैंने आपको इसका शेयर नहीं किया है, तो वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो लाइव सेशन आने से पहले या नेक्स्ट क्लास आने से पहले ही मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए और लाइव सेशन में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाए, तो अपने डाउट्स और क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन के लिए। तो आइएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एग्जाम में आप मान के चलिए कि इस पर क्वेश्चन जरूर बनेगा। पीजीवीपी में जब क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा भी डाला जाएगा जो इस सेक्शन से रिलेट करता होगा। इंटरेस्टिंग सेक्शन है, काफी अच्छा सेक्शन है और बहुत काम का सेक्शन है, क्योंकि इस सेक्शन के बाद आपके काफी सारे सेक्शंस पर जो आप पढ़ के आए हैं, वहां पर एक रोक लगने वाली है, रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है। एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपने सुना कि मैंने सेक्शन 30 में आपको बोला था कि अगर आप रेंट रेट एंड टैक्सेस पे करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 32 में मैंने बोला डेप्रिसिएशन की डिडक्शन ले लो, 35 में बोला साइंटिफिक रिसर्च की ले लो, 36 में बोला जनरल ले लो, 37 में मैंने बोला सभी की ले लो, बट दैट मस्ट बी फॉर द बिजनेस पर्पस, दैट शुड नॉट बी फॉर द पर्सनल यूज, और वहां पर कुछ छोटी छोटी बातें भी थी। अब जो मैं आपको सेक्शन कराने जा रहा हूं, अच्छा साथ में मैंने फिर आपको ये भी बोला प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी की नहीं देंगे, और एक हमने सेक्शन भी पढ़ा था जहां पर बोला था मैंने कि अगर ये खर्चे होंगे तो इन खर्चों की हम डिडक्शन आपको तभी देंगे जब आप ये पे कर देंगे। तो अगर आप इसे रिटर्न ऑफ ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं, सेक्शन 43 याद है? हाँ। तो अगर आप रिटर्न ऑफ ड्यू डेट से पहले भर देते हैं, पे कर देते हैं, तो उसी साल में ले लेना, अदरवाइज जिस साल पे करोगे उस फाइनेंशियल ईयर में, उस प्रीवियस ईयर में हम उसकी डिडक्शन आपको देंगे। ऐसा ही पढ़ा था। उसी से जुड़ा हुआ एक सेक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, आपको मजा आ जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि आप इस सेक्शन को पढ़ के देखना, आपको बहुत मजा आएगा इस सेक्शन को पढ़ने के बाद। सेक्शन क्या कहता है, आइए पहले सेक्शन को देखते हैं, फिर स्टोरी सुनेंगे, डिस्कशन करेंगे, वापस सेक्शन पर आ जाएंगे। सेक्शन सेज पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 मेड अदरवाइज देन थ्रू प्रिस्क्राइब मोड्स। अगर आप कोई पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट कितनी है, 10,000 से ज्यादा है, मेड अदरवाइज देन थ्रू प्रिस्क्राइब मोड, मतलब आपने ऐसे किसी मोड से पेमेंट करी जो कि अदरवाइज था, किसके, प्रिस्क्राइब्ड मोड के। तो प्रिस्क्राइब मोड मतलब सरकार आपको बताएगी कि आपको पेमेंट कैसे करनी है, सरकार आपको बताएगी कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। अगर आप उस मेथड से, उस मोड से पेमेंट कर दोगे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसे किसी मेथड से, ऐसे किसी मोड से पेमेंट कर दी विच इज अदर देन दी प्रिस्क्राइब्ड मोड, तो वहां पर हम इस वाले सेक्शन की बातें करेंगे। क्लियर? यहां लिखिएगा, इफ एनी पेमेंट मेड बाय एनी मोड अदर देन द मोड्स गिवन इन दिस सेक्शन, देन दिस प्रोविजन विल बी
एप्लीकेबल। ठीक है, क्या होंगे वो मेथड, क्या होंगे मोड, वापस आके मैं दिखाऊंगा। अब आइएगा मेरे साथ एक स्टोरी पर चलते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाया हूं मैं आपके लिए, एक नहीं बल्कि दो प्रॉफिट एंड लॉस लाया हूं आज। उन दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को देखिएगा, उस पर मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, फिर मैं आपको इस सेक्शन पर वापस लेके आऊंगा। देखिएगा, सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने है, इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज द केस में भी, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें। तो अब मैं आपके सामने यहां पर कुछ खर्चे लिखने जा रहा हूं, तो आप इन खर्चों पर ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर एक खर्चा लिखा है, सबसे पहले मैं एक खर्चा यहां लिख रहा हूं, मान लीजिए 1,20,000 रुपए का मैंने यहां खर्चा लिख दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब यहां पर मैंने एक खर्चा लिखा है 80,000 रुपए का। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में मैंने 1,00,000 रुपए का खर्चा लिखा। स्टेशनरी प्रिंटिंग में मैंने 25,000 रुपए का खर्चा लिखा है। पोस्टेज पर मैंने 40,000 रुपए का खर्चा लिखा है। आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना पीजीबीपी के, वो ऐसे ही आएंगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, कुछ आइटमें होंगी, आइटमों के नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, अब आपको वो क्वेश्चन करना है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन पार्ट में बताऊंगा कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी आप केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब इसके आगे की बातें करते हैं। यहां पर क्या किया, ये जो मैंने 1,20,000 रुपए की सैलरी दी, ये सैलरी मैं कैसे दे सकता हूं, मैं अपने खर्चे कैसे पे कर सकता हूं। मान लीजिए मुझे किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, हाउ कैन आई पे दिस सैलरी टू एम्प्लॉय। सर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उसे कैश पकड़ा दो, आप बोलो कि ये एम्प्लॉय इधर आओ, ये तुम्हारी सैलरी है, ये पकड़ो कैश और घर चले जाओ, ऐसा होगा। या सर आप इसे अदर देन कैश कर सकते हो। अदर देन कैश का मतलब सर आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, उसे चेक दे सकते हो, उसे NEFT कर सकते हो, RTGS कर सकते हो, आप उसे UPI कर सकते हो, आप उसे भीम के थ्रू पे कर सकते हो, आप उसको वॉलेट में पे कर सकते हो। मतलब आप उसे कैश नहीं दे रहे हो, नोट नहीं दे रहे हो, और नोट के अलावा कैसे भी तरीके से आप उसे पेमेंट दे रहे हो। क्लियर। चलो ये बात मैंने कर दी सैलरी के लिए। बाकी ये जो रेंट मैंने पे किया, क्या रेंट को भी मैं ऐसे पे कर सकता हूं कैश के अंदर और अदर देन कैश के अंदर? यस सर। सो एनी एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस यू कैन पे इन द कैश और इन द अदर देन कैश। यस और नो? यस सर। अब देखिए क्या होता है, लोग बड़े चालाक हैं। लोग कहते हैं कि मैं अपने खर्चे बढ़ाने के लिए, यहां जो आप खर्चे देख रहे हैं ना, ये कहते हैं मैं अपने खर्चे बढ़ाने के लिए यहां पर खर्चे डालना शुरू कर दूंगा। मैं यहां लिखूंगा ऑडिट एंड लीगल चार्जेस 60,000 रुपए। ऑडिट हुआ कितने में? 20,000 में। लेकिन आपने यहां क्या लिख दिया? 60,000 रुपए। टेलीफोन खर्चे, मैं बोलूंगा 72,000 रुपए का मेरा टेलीफोन खर्चा हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे किया 12,000 रुपए। इंटरेस्ट मैंने पे किया 24,000 रुपए। मार्केटिंग पर मैंने खर्च कर दिए 1,00,000 रुपए। और अब कोई मेरे से पूछ रहा है बताओ कैसे खर्च करें, इसका प्रूफ दिखाओ कि आपने खर्चा किया। तो आप यहां पर बोलेंगे सर 1,00,000 रुपए में से मैंने 20,000 तो बैंक के थ्रू पे किया था और 80,000 रुपए मैंने कैश में पे किया था। मतलब आप समझ पाए यहां पर क्या गेम खेली जा रही है? यहां पर सर गेम ये चल रही है कि एक बंदा, एक पर्सन, एक असस्सी अपने खर्चों को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को कम करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को कम करने के लिए यहां पर कुछ खर्चे डालता है, और वो खर्चे वो बोलता है कि मैंने कैसे पे किए? कैश में पे किए। कैश में पे क्यों किए? क्योंकि वो खर्चे फेक थे, क्योंकि वो खर्चे बोगस थे, क्योंकि वो खर्चे जेन्युइन नहीं थे। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं मैंने कैश में पे किया? क्योंकि एक्चुअली में उसने वो खर्चा किया ही नहीं था, क्योंकि एक्चुअली में वो खर्चा उसने किया ही नहीं था।
भाई अगर एक्चुअल में खर्चा होता तो वो बैंक से पेमेंट करता, और बैंक से किसको पेमेंट करता, उस पार्टी को पेमेंट करता जिससे उसने वो खर्चा लिया था, या एक्चुअली मैं मतलब उस पार्टी को पे करता जिससे उसके पास बिल आया था उस खर्चे का। बट यहां पर क्या कर रहा है एसएससी, यहां एसएससी बहुत चालाक है। एसएससी कह रहा है मैंने 80,000 रुपए के खर्चे कैश में खर्च करे हैं। अब बताओ कैश का क्या सबूत होगा कि मैंने खर्च किए थे या नहीं? आप कहेंगे सर बिल होगा, तो बिल तो नकली भी बन जाएंगे, बिल तो मैं किसी से ले भी लूंगा, बट पेमेंट को कैसे ट्रैक करेंगे और पेमेंट को कैसे चेक करेंगे कि आपने एक्चुअली में पे किया है या नहीं किया है? आर यू गेटिंग दी प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? एसएससी अपने खर्चों को बढ़ाने के लिए, एसएससी अपनी इनकम को कम करने के लिए यहां पर खर्चे डालता है, और खर्चे में क्या बोलता है वो कि मैंने ये खर्चा कैश में पे किया है, मैंने ये पेमेंट कैश में दी है। खर्चे ही नहीं स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में डेटर लिखे हुए हैं उसने 1 लाख रुपए। वो रातों रात उस डेटर के बैलेंस को खत्म कर देता है। वो क्या बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपए डेटर से लेने थे, डेटर से अब मुझे पैसे नहीं लेने। कोई पूछता है क्यों नहीं लेने, ये कहता है उसने मुझे पैसे दे दिए। दूसरा बंदा पूछता है कब दिए कैसे दिए, ये कहता है कैश में दिए। एंट्री क्या डालता है ये अपनी बुक्स में, ये बोलता है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, मुझे डेटर ने कैश में पैसा दे दिया 1 लाख रुपए। बताइए सरकार क्या कैश को प्रमोट करना चाहती है या उसे कम करना चाहती है? कम करना चाहती है। सरकार कहती है कैश इज द ब्लैक मनी, कैश इज द ब्लैक मनी। हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि आप कैश का यूज कम से कम करें, हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि आप कैश का कम से कम यूज करें, ना पेमेंट देने में और ना पेमेंट लेने में। स्टूडेंट्स आई एम नॉट कंसर्निंग अबाउट ओनली द एक्सपेंसेस, आई एम नॉट कंसर्निंग अबाउट ओनली द एक्सपेंसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेमेंट्स, वेदर इट इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, वेदर इट इज रिलेटेड टू द अदर देन एक्सपेंसेस। आप फर्नीचर खरीदने गए, फर्नीचर आपकी असेट होती है, बताइए क्या ये खर्चा है? नेवर, इट इज नॉट अ एक्सपेंडिचर। बट अगर आप वहां पर कैश की पेमेंट कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन हिट होगा। क्या कहेगा सेक्शन, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या वो कहेगा सेक्शन, देखेंगे। बट द पॉइंट इज दैट सरकार चाहती है कि कैश की ट्रांजैक्शंस कम से कम हो जाएं। मैं आपको टीडीएस के सेक्शन में एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, अ वेरी वेलकम सेक्शन, बहुत ही अच्छा सेक्शन लेके आए हैं 2020 में। क्या कहता है सेक्शन, सेक्शन का नाम बता रहा हूं, 194N, 194N, बहुत अच्छा सेक्शन है, वहां पर समझेंगे क्या कहता है। तो सरकार इस सेक्शन को लाकर भी वो क्या चाहती है कि आपका कैश कम से कम यूज हो, आप कैश की ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व ना हो, और आप कोशिश करें, कोशिश ही नहीं करें, आपको करना ही पड़ेगा इस सेक्शन के आने के बाद, आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि आप अपनी पेमेंट्स, आप अपने खर्चे कैसे करें अदर देन कैश करें। सर अगर खर्चे कैश में कर दिए, पेमेंट कैश में कर दिए तो क्या होगा? तो जो सेक्शन अभी मैंने आपको हाईलाइट करवाया था वो सेक्शन हिट हो जाएगा, और जब वो सेक्शन हिट हो जाएगा तो उस सेक्शन में लिखी हुई बातें आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी, और जब वो बातें आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी तो वहां जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सभी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और वो कॉन्सिक्वेंसेस कोई ऐसे वैसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, वहां पर बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर आएंगे अगर आप किसी भी पर्सन को पेमेंट करते हैं विच इज अदर देन दी स्पेसिफाइड मोड्स। और स्पेसिफाइड मोड्स में सारे मोड्स आते हैं, लेकिन क्या नहीं आता? कैश नहीं आता।
तो सिंपल सिंपल सा क्या मीनिंग है सेक्शन का? अगर मीनिंग की बात मैं करूं तो मीनिंग सर ये है, सरकार कहती है कि इस सेक्शन की वजह से अब आप अगर कोई पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा की है और वहां पर आपने कैश में पेमेंट कर दी है तो वहां पर ये सेक्शन हिट हो जाएगा, और जब ये सेक्शन हिट होगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या किया एसएससी ने, देखिए ये जितने भी यहां पर खर्चे लिखे थे ना ये सब इसने कैश में पे किए थे। अकाउंटिंग एंट्री क्या करी थी इसने, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों किया था इसने ऐसा बताइए, ताकि मुझे कोई सबूत ना देना पड़े कि मैंने पेमेंट किसको करी, कैसे करी, कब करी। मैं सिंपल बोलूं, मैंने कैश में खर्चा किया, कैश में खर्चा किया, कैश में खर्चा किया। नॉट ओनली दी एक्सपेंसेस एज वेल एज एनी पेमेंट विच इज गिवन इन दी कैश, वहां पर आपका सेक्शन आ जाएगा। और ये सेक्शन अगर आपके ऊपर लग गया तो इसके कॉन्सिक्वेंस देखिएगा क्या ये सेक्शन कहता है। आइएगा मेरे साथ दोबारा से देखिए हेडिंग, पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 मेड अदरवाइज देन थ्रू अ प्रिस्क्राइब मोड। अगर आप कोई पेमेंट करते हैं जो कि 10,000 से ज्यादा की है और उसको आप पे करते हैं अदरवाइज देन अ प्रिस्क्राइब मोड, तो जो मोड हमने आपको प्रिस्क्राइब किया था उसके अलावा किसी मोड से करते हैं तो हम ये सेक्शन ले आएंगे, और ये सेक्शन आ गया तो बड़ी ही दिक्कत होने वाली है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है अब इस सेक्शन में, चलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दिस। सुनिएगा क्या कहता है ये सेक्शन, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको क्योंकि इसका यूज किसी ना किसी पॉइंट में एग्जामिनर आपसे टेस्ट कर जाएगा, एमसीक्यू में भी कर सकता है, डिस्क्रिप्टिव में भी कर सकता है। तो ध्यान से पढ़िएगा सेक्शन को, क्या कहता है सेक्शन, सेक्शन 40A3 क्या कहता है देखिए, एप्लीकेबिलिटी वेयर द एसएससी इनकर एनी एक्सपेंडिचर, अगर कोई एसएससी कोई खर्चा करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय अ अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाय एन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स एक्सीडिंग ₹10,000 such expenditure shall not be allowed as deduction। हम उस खर्चे को खर्चा नहीं मानेंगे और उस खर्चे की हम आपको कोई डिडक्शन भी नहीं देंगे। What income tax says, if any assessee make any expenditure, incur any expenditure जिसकी पेमेंट उसने की होगी अदरवाइज बाय अ अकाउंट पे चेक, मतलब अकाउंट पे चेक के अलावा, अदरवाइज बाय वे ऑफ अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट के अलावा, अदरवाइज बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय द बैंकिंग सिस्टम और बाय एनी अदर मोड स्पेसिफाइड बाय द लॉ, तो उस मोड के अलावा अगर आप पेमेंट करेंगे तो बताइए कौन सा मेथड बच गया, बस यहां पर जो वो नहीं लिख पाए कैश, कौन सा मेथड बच गया कैश। तो ये कहना चाहते हैं अगर आप पेमेंट करेंगे अदरवाइज बाय दीज मेथड, तो अदरवाइज का मतलब इन मेथड से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन मेथड के अलावा इसका मतलब कैश में पेमेंट करोगे तो हम उस खर्चे को खर्चा नहीं मानेंगे, हम उस खर्चे को खर्चा नहीं मानेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर, फिर से सुनिए, ये कह रहे हैं अगर कोई एसएससी कोई खर्चा करता है और उस खर्चे की पेमेंट वो कैश में कर देता है विच इज इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 तो उस खर्चे को हम खर्चा नहीं मानेंगे। और जब ये कहते हैं हम उस खर्चे को खर्चा नहीं मानेंगे तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, हम आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ा देंगे। देखिए
आपने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा लिखा है 1 लाख रुपए का, लेकिन ये 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपए आपने कैश पे किया है। क्या सरकार आपको ये कैश अलाउ कर देगी? क्या सरकार इस 80,000 को खर्चा मान लेगी? आंसर इज नहीं मानेगी। और जब सरकार बोलेगी हम इसे खर्चा नहीं मानते, तो जो भी आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा था, मान लीजिए आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर 10 लाख रुपए था, तो सरकार बोलेगी अब आपका प्रॉफिट 10 लाख नहीं है, कितना है? 10,80,000 रुपए है। तो सरकार क्या बोलेगी यहां पर, आपका प्रॉफिट कितना है? 10,80,000 रुपए आपका प्रॉफिट है। क्लियर है आपको यहां तक की बात? सरकार क्या कह रही है फिर से समझिए, सरकार कह रही है कि अगर आप कोई खर्चा करते हैं और उस खर्चे की पेमेंट आप कर देते हैं इन कैश, या ऐसे भी कह सकते हैं उस खर्चे की आप पेमेंट करते हैं बाय एनी अदर मोड अदर देन दी स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन या अंडर दिस प्रोविजन। तो अगर आप स्पेसिफाइड मोड्स को छोड़कर किसी और मोड से पेमेंट कर देते हैं, तो वहां पर केवल कैश बचता है एक मोड। तो अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं, तो 10,000 रुपए से ऊपर की अगर पेमेंट आप कैश में करेंगे, तो उस केस में हम आपके उस खर्चे को डिसअलाउ कर देंगे। क्या कर देंगे हम उस खर्चे को? डिसअलाउ कर देंगे, हम उसे खर्चा ही नहीं मानेंगे। आइएगा वापस बुक पर, आगे देखिए। द प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स आर क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करिए, कोई इशू नहीं है, हम आपको अलाउ कर देंगे। देखिए सरकार यहां पर पता है क्या चेक करना चाहती है, कि ये पेमेंट किसको जा रही है, ये पेमेंट किसको जा रही है। क्योंकि जब आप कहते हैं मैं बैंक से पेमेंट करूंगा, तो हम उस बंदे को ढूंढ पाएंगे जिसको आपने पेमेंट की होगी। जब आप कहते हैं मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी, तो हम उस बंदे को ढूंढ पाएंगे जिसके यहां पर आपने अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप करवाया होगा या उस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट किया होगा। जब आप चेक से पेमेंट करते हैं, तो हम क्या कहना चाहते हैं, कि हम उस बंदे को उसके अकाउंट के थ्रू ढूंढ लेंगे कि वो बंदा कौन है जिसको आपने पेमेंट करी। लेकिन जब आप कहते हैं मैंने कैश में पेमेंट करी, और आप कहते हैं मैंने राम को पेमेंट करी, राम को मैंने 20,000 रुपए कैश दिया, अब राम को कैसे ढूंढेंगे आप? कैसे ढूंढेंगे? क्या आप कोई नोट के अंदर GPS लगा के ढूंढेंगे कि ये पैसे किसके पास पड़े हैं, चलो ढूंढते हैं राम को? तो यहां पर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाएगा कि अगर SSC ये कहता है कि मैंने कैश में पेमेंट की, तो हम उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि वो पेमेंट किसको गई, कब गई, कैसे गई, क्या जेन्युइनली वो पेमेंट गई भी, या केवल एक बुक एंट्री यहां पर आई है जहां पर SSC ने एक एंट्री डाल के छोड़ दी कि मैंने 80,000 रुपए सैलरी पे करी इन कैश, पता नहीं किसको पे करी या पे नहीं भी करी। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, व्हाट दे हैड इंट्रोड्यूस्ड, दे हैड इंट्रोड्यूस्ड दिस सेक्शन, जहां पर ये कहते हैं कि जब भी आप किसी खर्चे की पेमेंट करेंगे, तो वो पेमेंट कैश में नहीं करेंगे, आप अदर देन कैश में करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश में कर देंगे तो हम उस खर्चे को खर्चा नहीं मानेंगे, वो खर्चा हम आपका डिसअलाउ कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिएगा इसके बाद, सो द प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स आर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS। IMPS का मतलब आपको पता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज फैसिलिटीज होती हैं, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, RTGS, NEFT एंड भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, आधार पे, या जो इस नोटिफिकेशन में जो एक CBDT की नोटिफिकेशन आई थी 8/2020, उस नोटिफिकेशन में जो जो मेथड प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उन मेथड्स के थ्रू आप पेमेंट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन मेथड के अलावा किसी और मोड से आप पेमेंट कर दोगे, वी विल नॉट कंसीडर योर एक्सपेंस एज एन एक्सपेंडिचर, हम उसे डिसअलाउ कर देंगे अगर पेमेंट 10,000 से ज्यादा कैश में हुई होगी। एक सवाल आता है यहां पर, एक स्टूडेंट पूछता है, सर मैंने 15,000 रुपए कैश में पे किया, कितना डिसअलाउ करेंगे, 10,000, 15,000
या 5,000, मतलब हम 10,000 रुपए डिसअलाउ कर देंगे क्योंकि 10,000 रुपए कैश में है, या हम पूरा का पूरा 15,000 रुपए डिसअलाउ कर देंगे क्योंकि पूरी पेमेंट कैश में है, या हम इन एक्सेस ऑफ 10,000 वाला डिसअलाउ करेंगे। मतलब 10 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 10 के ऊपर जितना वाला कंपोनेंट होगा हम वो डिसअलाउ कर देंगे। सो सवाल ये है स्टूडेंट का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर की अंडरस्टैंडिंग देखे, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर ये लिखा है हम आपका वो खर्चा डिसअलाउ कर देंगे इफ दैट एक्सपेंस इज पेड इन कैश इन एक्सेस ऑफ 10,000, मतलब 10,000 से ऊपर का जो खर्चा होगा। तो यहां पर इंटरप्रिटेशन समझना बहुत जरूरी है। व्हाट द गवर्नमेंट सेज कि आप 10,000 रुपए तक का अगर कोई खर्चा है तो वो कैश में कर सकते हैं, बट एनी एक्सपेंडिचर विच इज ओवर एंड अबव ₹10,000 वो आप कैश में नहीं करेंगे। तो 10,000 तक के खर्चे आपके अलाउ हो जाएंगे, और जो इन एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज की कॉस्टिक एक्सपेंस होगा वो हम आपका उठाकर डिस अलाउ कर देंगे। देखिएगा, द प्रोविजन अप्लाई टू ऑल कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज। चाहे आपने गुड्स के लिए पेमेंट की है, चाहे आपने सर्विसेज के लिए पेमेंट की है, दोनों ही जगह पर आपका ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। विच आर डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम। तो जिन पेमेंट्स को आप खर्चा बनाते हैं, जिन पेमेंट्स को आप अपनी इनकम के सामने डाल देते हैं कि ये मेरा खर्चा है या मेरी इनकम को कम कर रहा है, हर वो आइटम यहां पर कवर की जाएगी। तो नटशेल में मैं कह सकता हूं, एक्सपेंसेस की बात हो रही है यहां पर, चाहे वो आपका एक्सपेंस गुड्स से आया हो, चाहे वो आपका एक्सपेंस सर्विसेज से आया हो। आपने अपने सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को 25,000 रुपए कैश में पेमेंट कर दी, बताइए कितना डिसअलाउ कर देंगे, 15,000 रुपए डिसअलाउ कर देंगे। आपने अपनी स्टाफ को सैलरी पे कर दी 32,000 रुपए कैश में, बताइए कितना डिसअलाउ कर देंगे, 22,000 रुपए डिसअलाउ कर देंगे। आपने अपने सैलरी स्टाफ को 6,000 रुपए कैश में सैलरी पे करी, बताइए क्या डिसअलाउ करेंगे, कुछ भी डिसअलाउ नहीं करेंगे। 6,000 रुपए क्योंकि 10,000 रुपए से एक्सेस नहीं है, हेंस वी विल नॉट डिसअलाउ एनी पार्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिएगा, एनी पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 जो 10,000 से ज्यादा होंगी, जो 10,000 से ज्यादा होंगी, मेड अदरवाइज देन थ्रू प्रिस्क्राइब मोड, डीम्ड टू हैव बी द इनकम ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर इफ द एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन ड्यू बेसिस। क्या कह गए यहां पर, बहुत गहरी बात कह गए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा क्या यहां पर इन्होंने बोला। मान लीजिए आपने एक एंट्री डाली है, मान लीजिए आपने एक एंट्री डाली है, एंट्री डाल देता हूं मैं यहां पर, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, ये रेंट था 24,000 रुपये। ये एंट्री मैंने कब डाली होगी बताइएगा, मार्च में। क्या रेंट अकाउंट डेबिट करते ही आपने अपने P&L अकाउंट में इस रेंट को खर्चा दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा? दिखाया होगा। कितने से? 24,000 रुपये से। यस और नो? यस। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर यहां पर तो हम वो वाला सेक्शन हिट कर देंगे जहां पर आप ये कहते हैं कि जब तक आप इसकी पेमेंट नहीं कर दोगे तब तक हम आपको इसका खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। गलत कह रहे हैं आप, रेंट के ऊपर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। वो किस पर एप्लीकेबल होता था सर? वो कुछ स्पेसिफिक आइटम थी जिन पर एप्लीकेबल होता था, और रेंट उसमें से एक आइटम नहीं थी, सैलरी उसमें से कोई एक आइटम नहीं थी। उसमें क्या थे? उसमें लीव एनकैशमेंट था, उसमें ग्रेचुटी की बात थी, उसमें बोनस कमीशन की बात थी, उसमें यूज ऑफ रेलवे एसेट्स बाय इंडियन रेलवे उसकी बात थी। तो बताइए अगर आप रेंट टू रेंट पेबल की एंट्री डाल रहे हैं मार्च महीने में 24,000 रुपए की, और इस 24,000 रुपए को आप P&L में बुक कर रहे हैं, क्या हम आपको इस 24,000 रुपए की डिडक्शन दे देंगे?
ये मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गलतियां हो जाएंगी यहां पर। क्या हम आपको इसकी डिडक्शन दे देंगे, यस और नो? दे देंगे। क्यों दे देंगे सर? हम मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं। मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि अगर कोई खर्चा आपको पता है कि यह खर्चा इस साल से रिलेटेड है, भले ही आपको उसका बिल बाद में आए, भले ही आप उसकी पेमेंट बाद में करें, अगर आपका वो खर्चा इस साल का है तो आप उसका प्रोविजन बनाकर उस खर्चे को पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स वाले भी उसको मना नहीं करते। भाई मर्केंटाइल अकाउंटिंग में क्या कहता है इनकम टैक्स लॉ? इनकम टैक्स लॉ कहता है जो खर्चा जिस साल का है उस साल उसे क्लेम कर लो, इररिस्पेक्टिव कि आपने वो पे किया है या नहीं पे किया। तो मैंने अभी ये रेंट पे नहीं किया, 31 मार्च मेरा साल खत्म हो गया, ये देखो फाइनेंशियल ईयर 2021 का मेरा साल खत्म हो गया, 31 मार्च को मुझे पता चला कि मेरा एक रेंट का खर्चा है 24,000 रुपए का, मैंने पे नहीं किया। कब तक नहीं पे किया? मैंने हो सकता है अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई तक मैंने इसको पे नहीं किया। जुलाई तक मान लो मैंने इसे पे नहीं किया, तो मैंने एंट्री क्या डाली होगी अपनी अकाउंटिंग में? मैंने डाली होगी सर रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, और इस रेंट को मैंने खर्चे में भी बुक कर लिया होगा, यस और नो? क्या इस रेंट को मैंने खर्चे में बुक किया होगा, यस और नो? यस। क्या इनकम टैक्स ने इसे अलाउ भी कर दिया होगा, यस और नो? यस। अब देखिए नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मैंने एक एंट्री डाली रेंट पेबल डेबिट टू कैश। अरे सर ये क्या कर दिया, रेंट पेबल टू कैश? अब आपने ये कैश में पे कर दी, और अभी आप ऊपर लॉ पढ़ के आए हो, ताजा ताजा आपने लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने ऊपर लॉ? सर अगर आप किसी खर्चे को, अगर आप किसी खर्चे को, अगर आप किसी खर्चे को कैश में पे कर दोगे या उस खर्चे की पेमेंट कैश में कर दोगे तो वो खर्चा हम डिस अलाउ कर देंगे। मुझे बताइएगा, देयर आर टू ईयर्स, एक है फाइनेंशियल ईयर 2021, एक है फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब आप मुझसे ये कह रहे हैं सर ये खर्चा कब का था? फाइनेंशियल ईयर 2021 का। क्या 2021 में आपने ये अलाउ करवा लिया है? यस, ये तब आपने अलाउ करवा लिया था। तब ये क्यों अलाउ हो गया था सर? क्योंकि तब इसकी पेमेंट नहीं हुई थी, और क्योंकि इसकी पेमेंट नहीं हुई थी तो हमें ये नहीं पता था कि हम इसको कैश में पे करेंगे या हम इसको बैंक के थ्रू पे करेंगे, तो वहां पर हमने डिडक्शन ले ली थी। बट फाइनेंशियल ईयर 21-20 में आके आपको पता चल गया कि ये 24,000 रुपए आपने कैश में पे किए हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, जब आप लॉ पढ़ के आए हैं अभी अभी, तो वहां पर आपकी इंटरप्रिटेशन क्या निकली थी कि सर अगर आप किसी खर्चे की पेमेंट कैश में कर देंगे तो वो एक्सपेंस हम क्या कर देंगे, डिस अलाउ कर देंगे, हम उस खर्चे को क्या कर देंगे, डिस अलाउ कर देंगे। करवाइए जरा डिस अलाउ। आइए पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। पीएनएल अकाउंट में यहां पर रेंट के नाम का कोई खर्चा डाला होगा? डाला ही नहीं होगा, क्योंकि ये खर्चा कहां क्लेम हो चुका है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट प्रीवियस ईयर में। अब आप डिस अलाउ करवाइए। कैसे करवाएंगे बताइए, कैसे करवाएंगे आप ये डिस अलाउ मुझे बताइए? क्या आपने अपने पी एंड एल अकाउंट में इस फाइनेंशियल ईयर में कोई खर्चा किया है? नहीं किया, तो सर डिस अलाउ कैसे करोगे? डिस अलाउ करने का मतलब क्या था? एडबैक कर देंगे हम उस खर्चे को, खर्चा नहीं मानेंगे। अब आप कहेंगे सर मैं इसे पिछले साल में जाके डिस अलाउ करूंगा। पिछले साल में भी कैसे कर देंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप पिछले साल में कैसे डिस अलाउ करेंगे? पिछले साल की तो आप रिटर्न भर चुके हैं, पिछला साल तो निकल चुका है, पिछले साल की रिटर्न ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है, प्रोसेस भी हो चुकी है। अब बताइए कैसे डिस अलाउ करेंगे आप इसे? आप समझ पा रहे हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस सेक्शन? सो अकॉर्डिंगली एक यहां पर क्लॉज डाला गया
क्या कहता है क्लॉज? सिंपल सी बात सुनिए, अगर आपने कोई खर्चा पहले क्लेम कर लिया था और तब हमने उस खर्चे की आपको डिडक्शन दे दी थी, क्योंकि तब हमें नहीं पता था कि आप इसकी पेमेंट कैश में करेंगे या बैंक से करेंगे, तो हमने गुड फेथ में आपको डिडक्शन दे दी थी, लेकिन बाद में आपने अगर उसकी पेमेंट कैश में कर दी तो अब वो खर्चा, क्योंकि आप पहले ही क्लेम कर चुके हो, उस खर्चे को आप पहले ही खर्चा मान चुके हो, उसका बेनिफिट ले चुके हो, तो अब उसे हम डिसअलाउ तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो खर्चा है पहले क्लेम हो चुका है और पिछले साल में हम जाके डिसअलाउ कर नहीं पाएंगे, तो उस अमाउंट को हम आपकी इस साल की इनकम मान लेंगे, हम उसे आपकी डीम्ड इनकम मान लेंगे। अगर कोई खर्चा पिछले साल में अलाउ हो चुका है और उसकी पेमेंट इस साल में आप कैश में कर देते हैं या अदर देन मोड्स स्पेसिफाइड इन द लॉ उसके थ्रू कर देते हैं, तो उस केस में हम उसे डिसअलाउ नहीं कर पाएंगे, सिंस इट हैज ऑलरेडी बीन अलाउड इन द लास्ट प्रीवियस ईयर। देन इन दैट केस उस कॉम्पोनेंट को, उस आइटम को हम डीम्ड इनकम मान लेंगे, हम उसे क्या करेंगे, डीम्ड इनकम मान लेंगे, और डीम्ड इनकम मानने का मतलब यह हो गया कि हम उस पर इनकम टैक्स लगा देंगे विदाउट डिसअलाउंसेस, वो आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी, वो आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। सो वट एवर द योर इनकम इज फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर will be further increased by that much of amount which already has been claimed in the earlier previous year, और उसकी पेमेंट जो आप यहां पर कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं in excess of rupees 10,000। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। आगे देखिए, however द लिमिट वुड बी रुपीज 35,000 इन केस ऑफ अ पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर फॉर पेइंग प्लेइंग हायरिंग एंड लीजिंग गुड्स कैरेज अदरवाइज देन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मोड। तो ये जो हम 10,000 रुपए की लिमिट पढ़ के आए हैं ना अभी अभी ऊपर, ये लिमिट 35,000 रुपए कर दी जाएगी अगर आप पेमेंट किसको कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर को कर रहे हैं। तो जब जब आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करेंगे वहां पर आपको 10,000 रुपए नहीं देखने, वहां आपको क्या देखना है, 35,000। तो जब भी पेमेंट ट्रांसपोर्टर को जाएगी वहां पर आप क्या करेंगे, आप लिमिट लगा देंगे कितने कैश की, 35,000 की, और जब ट्रांसपोर्टर के अलावा किसी को पेमेंट जाएगी तो वहां पर आप क्या लिमिट लगा देंगे, 10,000 की। क्लियर है हम यहां तक, कोई डाउट? नहीं सर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इस बात के, कुछ एक्सेप्शन है इस बात के। क्या एक्सेप्शन है? अच्छा, एक्सेप्शन का मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर सिनेरियो इनमें फॉल हो गया, अगर केस इसमें से कहीं कवर हो गया, देन वी कैन मेक द पेमेंट इन कैश ऑल्सो, वी कैन मेक द पेमेंट इन कैश ऑल्सो, चाहे वो 10,000 से ज्यादा हो चाहे वो 10,000 से कम हो, इसका मतलब हम कैश में भी पेमेंट कर देंगे तब भी हमारा खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा, यही मतलब है ना इस बात का। देखिए, केसेस वेयर द डिसअलाउंसेस वुड नॉट अट्रैक्ट, मतलब जहां पर डिसअलाउंसेस नहीं की जाएंगी, वो केसेस जहां पर डिसअलाउंसेस नहीं होंगी, कौन सा केस है देखिए, लोन ट्रांजेक्शन एज एडवांसिंग ऑफ लोन और रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट लोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम, हाउएवर इंटरेस्ट पेमेंट शैल बी दी शैल अट्रैक्ट दिस प्रोविजन। लिखिएगा यहां पर, जब आप लोन देते हैं, आप लोन दे रहे हैं गिवन, तो बताइए एंट्री क्या करते हैं आप, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर मान लीजिए आप यहां पर कैश पे कर देंगे तो क्या हम डिसअलाउ कर देंगे? नहीं सर, ये हम डिसअलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताइए?
सर क्योंकि आपने ऊपर हमें बताया था कि ये केवल और केवल उन आइटम पर एप्लीकेबल है विच आर एक्सपेंडिचर्स। यहां पर शायद मैंने आपको ऐसा बोल दिया है स्टूडेंट्स, प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। हाँ, सो अगर एक्सपेंस की पेमेंट होगी 10,000 से ज्यादा तो ये सेक्शन आएगा, बाकी कोई पेमेंट हो रही है तो नहीं आएगा। अगर एक्सपेंस की पेमेंट हो रही है तभी ये यहां पर हिट होगा, अदरवाइज आप कोई पेमेंट करेंगे तो ये सेक्शन हिट नहीं होगा। अगर एक्सपेंस है और एक्सपेंस की पेमेंट हो रही है तो ये सेक्शन आएगा। क्लियर? तो अगर मैंने ऐसा बोला कि एक्सपेंस के अलावा भी आएगा तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो यहां पर क्या हुआ, देखिए आपने लोन दिया, आपने लोन दिया, एंट्री क्या करी, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहां पर आप जो लोन दे रहे हो ना, ये आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, ये P&L आइटम नहीं है। सिमिलरली इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, मान लीजिए मैंने लोन लिया है, एग्जाम्पल वन में मैंने लोन दिया था, वो अलग है, खत्म। अब मैं कह रहा हूं मान लीजिए मैंने लोन लिया है, तो जब मैं लोन लूंगा तो ऑब्वियसली मैं बदले में आपको इंटरेस्ट भी पे करूंगा। एंट्री क्या करेंगे आप बताइए, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक या कैश। तो अगर आपने बैंक से पेमेंट कर दी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई, वी विल नॉट हिट दिस सेक्शन। बट अगर आप इस इंटरेस्ट की पेमेंट कर देंगे कैश में, अगर आप इस इंटरेस्ट की पेमेंट कर देंगे कैश में तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, और यहां पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बैंक के केस में सेक्शन नॉट अप्लाई, यहां लिख लीजिए सेक्शन नॉट अप्लाई, और अगर आपने कैश में कर दी तो सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? देखिएगा इस लाइन को फिर से पढ़िएगा, आपको और समझ आ जाएगी। सो लोन ट्रांजैक्शन मतलब एडवांसेस ऑफ लोन और रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो कोई खर्चा नहीं होता। सो व्हाइल डिडक्टिंग इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम, सो दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हाउ एवर इंटरेस्ट पेमेंट शैल अट्रैक्ट दिस प्रोविजन, तो जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट करने की बात बोलेंगे तो वहां पर हम ये सेक्शन हिट करवा देंगे, ये सेक्शन अप्लाई करवा देंगे। क्लियर है हम यहां तक? नेक्स्ट देखिएगा, पेमेंट मेड बाय कमीशन एजेंट, तो अगर आप कमीशन एजेंट हैं और आप कमीशन एजेंट होने के नाते कोई पेमेंट करते हैं, मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ अ कमीशन एजेंट, तो उस केस में हम आपके ऊपर ये सेक्शन हिट नहीं करेंगे। यू कैन मेक द पेमेंट इन कैश चाहे वो 10,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो जाए, तो फिर आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर आप क्या हैं, अगर आप कमीशन एजेंट हैं। एम आई क्लियर टू योर नॉट, बताइएगा प्लीज, यहां तक की बातें समझ आ रही हैं या नहीं? बड़ी ही आसान बात है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। लॉ सेज अगर आप किसी खर्चे की पेमेंट करते हैं और वो 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट है, और वो ऐसे किसी मेथड से या ऐसे किसी मोड से है विच इज अदर देन दी प्रिस्क्राइब्ड मोड, इसका मतलब सीधा सीधा आप उस पेमेंट उस खर्चे की पेमेंट कैश में करते हैं, तो जो आप खर्चे की पेमेंट देंगे उस खर्चे को हम डिस अलाउ कर देंगे, उस खर्चे को हम डिस अलाउ कर देंगे। अगर उस खर्चे को आप पहले किसी प्रीवियस ईयर में क्लेम कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू सिस्टम, तो जब आप उसकी पेमेंट करेंगे तो जिस साल आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, अगर उस साल में आपने उसकी कैश में पेमेंट कर दी तो उस साल की इनकम बना देंगे जिस साल में आप उसकी पेमेंट कर रहे होंगे।
उसे क्या कर देंगे, उस साल की इनकम बना देंगे जिस साल में आप उसकी पेमेंट कैश में करेंगे। तो एक पिछले साल में आपने खर्चा ले लिया, उसे हम टच नहीं करेंगे, हम उसे आपकी इस साल की इनकम बना देंगे जब आप उसकी एक्चुअल में कैश में पेमेंट कर रहे होंगे। क्लियर? ये सेक्शन दो जगह पर नहीं आएगा। पहली, अगर आप कमीशन एजेंट की कैपेसिटी में पेमेंट्स कर रहे हैं, और दूसरा अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट ऐसे आइटम से बिलोंग करती है जो कि आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, जो कि आपके P&L का पार्ट नहीं है। तो ऐसी आइटम पर पेमेंट जो कि आपके P&L में नहीं जाएगी, जो कि आपका खर्चा नहीं बनाएगी, जो कि आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, उस पेमेंट पर हम इस बात को अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पर हम ये सेक्शन हिट नहीं करेंगे। देखेंगे आगे, रूल्स पढ़ेंगे, इसके कुछ रूल्स दिए हैं सरकार ने, क्यों दिए हैं वो भी समझेंगे, उसके बाद आपको ये बात और अच्छे से समझ आएगी। सेक्शन इतना सही है स्टूडेंट्स, इसके अलावा सेक्शन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम को समझते हैं, उस प्रॉब्लम के बाद आपको फिर मैं सॉल्यूशन दूंगा। प्रॉब्लम सुनिएगा, सरकार ने क्या बोला, सर आप कोई खर्चा नहीं कर सकते इन कैश विच इज मोर देन 10,000, करते हैं तो क्या होगा, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। सुनिएगा एग्जाम्पल, सुनिएगा, मैं ABC लिमिटेड हूं, मेरा काम क्या है, मेरा काम है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीदना और मार्केट में उसको बेच देना। तो मेरा काम है परचेस करना, परचेस करके फिर उसको मार्केट में बेच देना, ये है मेरा काम। आई एम अ कंपनी, मैं मार्केट से वेजिटेबल्स, मार्केट से नहीं, मैं किसानों से सब्जियां खरीदता हूं, फल खरीदता हूं या अनाज खरीदता हूं और मार्केट में उसे फिर बेच देता हूं। मैं किसानों से फल खरीदता हूं, सब्जियां खरीदता हूं, अनाज खरीदता हूं और मार्केट में फिर मैं उसे बेच देता हूं। अब बताइए क्या ये मेरा खर्चा है, क्या ये मेरा खर्चा है? द आंसर इज यस, ये आपका खर्चा है। एंट्री क्या करते हैं आप, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या परचेज खर्चा होता है? द आंसर इज यस। अब बताइए मैंने इसकी पेमेंट किसान को कैश में कर दी, क्या आप ये डिसअलाउ कर देंगे? मैंने इसकी पेमेंट किसान को कैश में कर दी, क्या आप ये डिसअलाउ कर देंगे? अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो आप इसको डिसअलाउ कर देंगे। क्यों? बिकॉज सेक्शन सेज अगर आप किसी खर्चे की पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में कर देते हैं तो वो खर्चा हम आपका खर्चा नहीं मानेंगे, उस खर्चे को हम डिसअलाउ कर देंगे। नाउ पॉइंट इज दैट मैंने किसान से सब्जियां खरीदी, मैंने किसान से फल खरीदे, मैंने किसान से अनाज खरीदा और उसको 10,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट कैश में कर दी, क्या आप डिसअलाउ कर देंगे? अभी तक की अंडरस्टैंडिंग तो कहती है कर देंगे, लेकिन हम ये डिसअलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बड़ी जेन्युइन सी बात सोचिए, किसान बैंक अकाउंट कहां से लाएंगे? आज हर किसान बैंक अकाउंट रखे जरूरी नहीं है, सरकार भी इस बात को मानती है। सरकार कहती है जब आप किसानों से उनका अनाज खरीदते हैं तो ना तो आपके लिए फिजिबल है, चलो आपके लिए तो एक बार हो भी जाए, बट किसानों के लिए फिजिबल नहीं है कि वो 10,000 रुपए का चेक लेके, 15,000 रुपए का चेक लेके बैंक में जाएगा और बोलेगा कि ये मेरे को चेक दिया है मेरे वेंडर ने या जिसने मेरे से माल खरीदा है कस्टमर ने। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार ने कुछ रूल्स बनाए हैं, मैं आपको रूल्स दिखाऊंगा अभी। उस रूल में ये लिखा उन्होंने, एक बात ये लिखी, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी, एक बात उन्होंने ये लिखी कि अगर आप किसान को पेमेंट करेंगे, अगर आप किसान को पेमेंट करेंगे तो आप वहां पर उस खर्चे को कैश में पे कर सकते हैं, वहां आपको 10,000 की लिमिट नहीं देखनी, वहां आपको कैश वाला पॉइंट नहीं देखना, आप किसान को पेमेंट करिए, कितनी भी पेमेंट करिए, हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम आपके उस एक्सपेंस को डिस अलाउ भी नहीं करेंगे। इवन दो
आपका वो खर्चा 10,000 से ही ऊपर क्यों ना हो जाए। क्लियर है हमें यहां तक? एक और सिनेरियो सुनिए, आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर बैंक बैंक है ही नहीं, बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है। आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जब बैंक नहीं है, बैंकिंग सिस्टम नहीं है, आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, आपके पास यूपीआई नहीं है, ब्रांचेस नहीं है बैंक की। अब आप बैठे हुए हैं पेमेंट करने के लिए, सामने वाला बंदा कह रहा है मुझे पैसे दो, और आप कह रहे हो नहीं मैं 10,000 रुपए से ऊपर तुम्हें कैश दे नहीं सकता वरना मेरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। सामने वाला कह रहा है भाई पैसे दो नहीं तो मैं ये माल वापस लेके जा रहा हूं, मैं अपनी सर्विसेज नहीं दूंगा तुम्हें। और आप कह रहे हो भाई रुक जा, सेक्शन है, सेक्शन कहता है 10,000 से ऊपर कैश नहीं दे सकते। बताइए जेन्युइन प्रॉब्लम है या नहीं है? है। आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां ब्रांच ही नहीं है, वहां पर बैंकिंग चैनल ही नहीं है, वहां पर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, आपके पास यूपीआई नहीं है। अब बताइए क्या आप होल्ड रखेंगे ट्रांजैक्शन को कि जब मैं बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा मैं केवल तभी पेमेंट दूंगा, या आप पेमेंट दे देंगे? आप पेमेंट दे देंगे, आप पेमेंट दे देंगे। आप सिंपली क्या बोलेंगे कि ये जो रूल हम बना रहे हैं, सरकार ने एक रूल बनाए हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से रूल हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। सो गवर्नमेंट सेज एज पर दीज रूल्स, अगर आपके पास बैंकिंग चैनल नहीं है, आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, देन यू कैन मेक द पेमेंट इन कैश ऑल्सो, आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। आर यू क्लियर? देखिए कौन कौन से रूल हैं जो यहां पर बताए गए हैं और किन किन चीजों को यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसी ऐसी कंडीशंस होंगी जो कि इस रूल में लिखी हुई हैं, अगर ये कंडीशंस होंगी देन यू कैन मेक द पेमेंट इन कैश ऑल्सो, आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं भले ही वो 10,000 से ज्यादा क्यों ना हो जाए। हम आपके उन खर्चों को डिसअलाउ नहीं करेंगे, हम आपके उन खर्चों को डिसअलाउ नहीं करेंगे। क्लियर है? देखिएगा कौन कौन से रूल हैं जो यहां पर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। देखिएगा स्टूडेंट रूल 6DD क्या कहता है इसके बारे में। रूल 6DD को समझते हैं कि कौन कौन से केसेस होंगे जहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं 10,000 से ऊपर भी, लेकिन आपको उस केस में कोई डिसअलाउंसेस नहीं की जाएगी। आइएगा, सो द केसेस एंड सर्कमस्टांसेस इन विच अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज मे बी मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे, चेक, बैंक ड्राफ्ट और ECS थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रिस्क्राइब इन द रूल 6BA. So this is a rule 6DD which simply says, ये रूल क्या कहता है कि अगर आप चाहे एक साथ या टुकड़ों में 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कर रहे हैं तब भी हम कोई डिसअलाउंसेस नहीं करेंगे। एक बात समझिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर एक कंसर्न आता है कि सर मुझे किसी को 12,000 रुपए की पेमेंट देनी थी, मैंने उसको 6,000 एक बार में दिए और फिर 6,000 मैंने एक बार में दिए, तो क्या यहां पर ये सेक्शन हिट होगा? हो जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन ये नहीं कहता एक बार में 10,000 से ऊपर की पेमेंट, ये कहता है एनी एक्सपेंडिचर जिसको आपने 10,000 रुपए से ऊपर कैश में दिया, चाहे एक बार में दिया चाहे मल्टीपल टाइम्स में दिया, अगर आपने 10,000 रुपए से ऊपर कैश पे किया तो ये सेक्शन हिट हो जाएगा। क्लियर है? सर मैंने 12,000 में से 3,000 रुपए बैंक से पे कर दिए और बाकी 9,000 रुपए कैश में पे किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, ये सेक्शन हिट नहीं होगा। सो कौन कौन से रूल में कौन कौन सी आइटम लिखी हैं जहां पर आप 10,000 रुपए से ऊपर पेमेंट कर सकते हैं? फर्स्ट, वेयर द पेमेंट मेड टू, जब आप कोई पेमेंट करते हैं RBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या उसकी सब्सिडियरी ब्रांचेस को, एनी कोऑपरेटिव बैंक
और लैंड मोर्टगेज बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और एनी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC। तो अगर आप बैंक को, SBI को या उसकी सब्सिडरी को या किसी ऐसे बैंक को जो कि लैंड मोर्टगेज का बैंक है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का बैंक है या फिर LIC ऑफ इंडिया को आप पेमेंट करते हैं, चाहे वो पेमेंट 10,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो, ये सेक्शन आपका हिट नहीं होगा, कोई भी खर्चा आपका डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर है? दूसरे नंबर पर देखिए, वेयर द पेमेंट इज मेड टू द गवर्नमेंट एंड द अंडर द रूल फ्रेम्ड बाय इट, सच पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लीगल टेंडर। तो अगर आप सरकार को कोई पेमेंट करते हैं लीगल टेंडर के थ्रू, लीगल टेंडर के लिए, तो वहां पर भी आपको 10,000 रुपए की लिमिट नहीं देखनी, आप बेफिक्र होकर कैश में पेमेंट कीजिए, नो वन विल डिसअलाउ योर दैट एक्सपेंडिचर। देखिए सरकार क्या कह रही है कि ये पैसा तो किसके पास जा रहा है, हमारे ही पास आ रहा है, तो जब पैसा आ ही हमारे पास रहा है तो हम क्यों डिसअलाउ करें, हमारा तो पर्पस था उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना जिसको ये पैसा जा रहा था और जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहा था, तो उसको पकड़ने के लिए हमने यहाँ पर ये रूल लगाया था, हमने ये सेक्शन लगाया था। लेकिन जब आप पैसा हमें ही दे रहे हैं तो आप हमें तो दे सकते हो कैश में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपने आप से थोड़ी झूठ बोलेंगे। तो अगर पैसा सरकार को जाएगा, यू कैन मेक द पेमेंट इन कैश, कोई इशू नहीं है। थर्ड नंबर देखिएगा, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एनी लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू अ बैंक, अ मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर थ्रू अ बैंक, अ बुक एडजस्टमेंट फ्रॉम एनी अकाउंट इन अ बैंक टू अनदर अकाउंट इन दैट और एनी अदर बैंक, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मेड ओनली पेबल ओनली टू अ बैंक। तो अगर आप बैंक को पेमेंट दे रहे हैं, बैंक को किस चीज के लिए, ऐसे खर्चे के लिए जो आप बैंक को दे रहे हैं बाय वे ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। मान लीजिए आप बैंक के पास पहुंचे, बैंक से आपने बोला मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाना है, लेटर ऑफ क्रेडिट के चार्जेस हो गए मान लीजिए 50,000 रुपए। आप बैंक को कह रहे हैं ये लो अपने 50,000 रुपए कैश में, तो उस केस में ये रूल एप्लीकेबल होगा, ये सेक्शन हिट नहीं होगा और वो खर्चा आपका डिसअलाउ नहीं होगा, बिकॉज पेमेंट इज गोइंग टू हूम, बैंक। अगर बैंक को पैसा जाएगा तो ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा और ये सेक्शन हिट नहीं होगा। सिमिलरली, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ एनी लाइबिलिटी इंकर्ड बाय पेई फॉर एनी गुड्स सप्लाइड और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द असेसी टू सच पेई। तो अगर आप कोई एडजस्टमेंट करते हैं लाइबिलिटी में, तो उस केस में भी ये सेक्शन हिट नहीं होगा। इट मीन्स फिर से देखिए क्या कहता है ये, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ एनी लाइबिलिटी इंकर्ड बाय द पेई फॉर द गुड्स। तो आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आप पेमेंट नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आपने एडजस्टमेंट का मतलब, मान लीजिए आपने उसको माल बेचा भी था, उससे खरीदा भी था, अब आपने कहा चलो एडजस्ट कर लेते हैं। आपने एक बंदे से लेना था, दूसरे बंदे को देना था, आपने दोनों को आपस में एडजस्ट कर दिया। या ऐसी कोई और एडजस्टमेंट अगर आप करते हैं जहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं होता, तो वहां पर भी ये सेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, ये सेक्शन हिट नहीं होगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट देखिएगा, वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आप किसान से या जंगल से कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदते हैं, किसान से किसान का अनाज खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, तो वहां पर आप 10,000 से ऊपर की पेमेंट कर सकते हैं, हम आपके खर्चे को डिसअलाउ नहीं करेंगे। वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ अ एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक, मीट, हाइड एंड स्किन और डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग। तो यहां पर भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका कोई डिसअलाउंसेस नहीं किया जाएगा। फिश और फिश प्रोडक्ट्स, अगर आप
फिश या फिश रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो वहां पर भी आप 10,000 से ऊपर कैश में पेमेंट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, एनी पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर और एपीकल्चर टू द कल्टीवेटर ग्रोअर और प्रोड्यूसर ऑफ सच आर्टिकल प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स, तो वहां पर भी आप बेफिक्र होके खर्चा करिए, बेफिक्र होके कैश में पेमेंट करिए। वी विल नॉट डिसअलाउ दैट एक्सपेंडिचर इफ इट इज मेड इन कैश इन एक्सेस ऑफ ₹10,000। पॉइंट नंबर सिक्स देखिएगा स्टूडेंट्स, वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और प्रोसेस्ड विदाउट द एड ऑफ पावर इन अ कॉटेज इंडस्ट्री टू द प्रोड्यूसर ऑफ सच प्रोडक्ट, बेफिक्र होके पेमेंट करिए, वी विल नॉट डिसअलाउ इट। सेवेंथ नंबर पॉइंट, वेयर द पेमेंट इज मेड इन अ विलेज और टाउन विच ऑन द डेट ऑफ सच पेमेंट इज नॉट सर्व बाय एनी बैंक। आप एक ऐसी जगह पर पेमेंट कर रहे हैं या आप ऐसी जगह से पेमेंट कर रहे हैं जहां पर बैंक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब बैंक ही एग्जिस्ट नहीं करता तो बताइए आप कैसे कर पाएंगे बैंकिंग चैनल से पेमेंट? नहीं कर पाएंगे। आप वहां पर कैश में पेमेंट करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डिसअलाउ नहीं करेंगे। टू एनी पर्सन हु ऑर्डिनरी रिसाइड और इज कैरिंग ऑन द बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन इन एनी सच विलेज और टाउन जहां पर बैंक एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर कहीं बैंक एग्जिस्ट नहीं करता और आप नॉर्मली वहीं पर रहते हैं, वहीं से काम करते हैं, वहीं से अपना बिजनेस चलाते हैं, प्रोफेशन करते हैं, तो हम आपको पेमेंट 10,000 से ऊपर भी कर सकते हैं, चाहे वो कैश में ही क्यों ना हो जाए। क्लियर है हम यहां तक? पॉइंट नंबर 8 देखिएगा, वेयर एनी पेमेंट इज मेड टू एम्प्लॉय ऑफ द असेसी और देयर हायर ऑफ एनी सच एम्प्लॉय और ऑन इन कनेक्शन विद द रिटायरमेंट रिट्रेंचमेंट रेजिग्नेशन डिस्चार्ज और डेथ ऑफ सच एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसिएशन और सिमिलर टर्मिनेशन बेनिफिट एंड द एग्रीगेट ऑफ सच सम इज टू द एम्प्लॉय और हिज लीगल हायर डज नॉट एक्सीड ₹50,000। अगर आप किसी एम्प्लॉय को उसके रेजिग्नेशन पर, उसकी डेथ पर, टर्मिनेशन पर, रिटायरमेंट पर, बाय वे ऑफ एनीथिंग, या उसके लीगल हायर को कोई पेमेंट करते हैं तो वहां पर भी आप ₹10,000 से ऊपर कैश पेमेंट कर सकते हैं। कंडीशन यह है 50 से ज्यादा की पेमेंट नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एन एसएससी बाय वे ऑफ सैलरी टू हिज एम्प्लॉई आफ्टर डिडक्टिंग द इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द एक्ट व्हेन सच एम्प्लॉई is a temporary posted for a continuous period of 15 days or more in a place other than his normal place of duty or does not maintain any account in a bank at such place। सरकार कह रही है आप किसी को सैलरी देते हो, आप एक काम करो TDS काट लेना। TDS का मैं चैप्टर कराऊंगा, वहां पर आपको और ज्यादा डिटेल में समझ आएगी ये बात। तो सरकार कह रही है आप किसी को सैलरी देते हो, TDS काट लेना। TDS काटने के बाद जो पेमेंट हो वो आप उसे कैश में दे देना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप TDS काटोगे हमें पता चल जाएगा कि आपने किसका TDS काटा है और पेमेंट किसको जा रही है। लेकिन उसके अंदर भी कंडीशन है, वो बंदा आपका टेम्परेरी पोस्टेड हो 15 दिन या उससे ज्यादा ऐसी लोकेशन पर जहां पर बैंक एग्जिस्ट नहीं करता है, या सॉरी जहां पर उसका बैंक अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है और वो बैंकिंग ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आप उसे कैश में सैलरी पे कर रहे हैं। क्लियर है हम यहां तक? पॉइंट नंबर 10 देखिएगा, वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एनी पर्सन टू हिज एजेंट विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट इन कैश फॉर गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन देन देयर विल बी नो applicability of this section, it means you can make the payment by in excess of ₹10,000 also in cash. Point number 11, where the payment is made by an authorized dealer or money changer
अगेंस्ट द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी और ट्रेवलर्स चेक इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। देखिए मनी चेंजर क्या करते हैं, आपसे फॉरेन करेंसी ले लेते हैं और आपको उस देश की करेंसी दे देते हैं, या अगर आप उल्टा भी करना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं इंडिया में हूं मुझे यूएसडी चाहिए, तो आप उन्हें कैश में पेमेंट करते हैं और उनसे बदले में फॉरेन करेंसी ले लेते हैं। तो अगर आप फॉरेन करेंसी परचेज के लिए पेमेंट दे रहे हैं तो उस केस में भी हम आपको यहां पर डिसअलाउंसेस नहीं करेंगे, इवन दो आपका जो पेमेंट है वो 10,000 रुपए से ज्यादा क्यों ना हो जाए। क्लियर है हम यहां तक, कोई डाउट? नहीं सर। सुनिएगा, आपके पास एक 2 लाख रुपए का खर्चा है, आप कहते हैं कि सर मैं 9,000 रुपए करके हर दिन पे कर दूंगा, एक दिन 9,000, एक दिन 9,000, फिर एक दिन 9,000, ऐसे करके मैं पूरे साल में हर दिन 9,000 रुपए करके पे कर दूंगा, क्या ये डिसअलाउंसेस होगी? होगी, ये डिसअलाउंसेस होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां लिखा है सर कोई भी एक्सपेंस जो कि 10,000 रुपए से ज्यादा आप पे कर रहे हैं, चाहे एक साथ कर रहे हैं चाहे एग्रीगेट कर रहे हैं, वहां पर डिसअलाउंसेस हो जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मेरे पास इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब मैं अपने क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर हम इन पॉइंट्स को और अच्छे से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी समझेंगे। जो एग्जामिनर आपको सिनेरियोस बना के देगा उन सिनेरियो पर बेस्ड हम डिस्कशन करेंगे वेदर इट इज अलाउड और नॉट। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सेक्शन है इन एडमिसिबल डिडक्शंस। तो ये इन एडमिसिबल डिडक्शंस मैं आपको करवाऊंगा जब मैं आपके साथ टीडीएस का चैप्टर डिस्कस कर लूंगा उसके बाद। तो जब हम टीडीएस का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको ये 3 सेक्शन करवाऊंगा, क्योंकि इन तीनों का ही रिलेशन है टीडीएस के सेक्शन के साथ। तो टीडीएस का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इन सेक्शंस को समझेंगे, देखेंगे क्या ये सेक्शन कहना चाहते हैं। तो सेक्शन 40A1 इन एडमिसिबल डिडक्शन, ये भी आपका बाद में होगा। इसके बाद इन एडमिसिबल डिडक्शन में ही कॉन्टिन्यूएशन में है ये वाला सेक्शन, भी आपका बाद में कवर किया जाएगा। और इसके बाद है ओके स्टूडेंट्स, इसको तो आप कट कर दीजिएगा, ये डुप्लीकेट है यहां पर, प्लीज कट इट, क्रॉस कर दीजिए, ये यहां पर डुप्लीकेट है। ये सेक्शन मैंने पीछे भी दे दिया है और यहां पर भी आ गया है दोबारा से, तो प्लीज इसको आप कट कर दीजिएगा। इसके बाद आप आइएगा मेरे पास, मेरे साथ इन एडमिसिबल डिडक्शंस, ये वाला भी सेक्शन मैं आपको करवाऊंगा जब हम टीडीएस का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। सो इसको मैं अभी यहां पर हाईलाइट कर देता हूं। किससे हाईलाइट करूं? आपको याद होगा हाईलाइट के लिए मैंने आपको पीजीवीपी में ही एक जगह पर एक बात छुड़वाई थी और बोला था इसको हम बाद में समझेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरे साथ आइएगा पेज नंबर 4-6 पर, आइएगा 6 पर, हमने पेज नंबर 4 पर ये वाला पॉइंट हमने छोड़ रखा था 43B। अच्छा 43B तो मैंने आपको करवाई दिया। However, certain expenditure specified under section 43B are allowed to be deducted on actual payment basis। तो जब आप उसकी एक्चुअल पेमेंट करेंगे तभी अलाउ होगा, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ आई एम रिमूविंग इट, बट मैं अब 2 सेक्शन आपको छुड़वा रहा हूं which will be cover after the chapter of TDS। मेरे साथ वापस आइएगा पेज नंबर 30। तो 30 पे ये 2 सेक्शन अभी भी आप होल्ड करिए, ये मैं आपको TDS का चैप्टर करवाने के बाद बता पाऊंगा। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन मेरा बीच में अटकता है, अगर मेरा कोई क्वेश्चन बीच में अटकता है जो मेरे क्वेश्चन बैंक में आ जाएगा और वहां पर अगर इन सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी होगी तो मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा इन सेक्शंस का वहां पर कि कैसे इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, बट इसको डिटेल में लिंकिंग के साथ समझ पाएंगे जब हम टीडीएस का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसका पूरा पूरा लिंक है टीडीएस के साथ। आइएगा
आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम करने जा रहे हैं। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू द पार्टनरशिप फॉर्म। सेक्शन 40 सब सेक्शन बी, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू द पार्टनरशिप फॉर्म। केवल और केवल पार्टनरशिप फॉर्म्स पर यह सेक्शन एप्लीकेबल होता है। क्या कहता है यह सेक्शन सुनिएगा। रेमुनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। आप ये पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, एक फर्म का पी एंड एल अकाउंट मान लीजिए आप यहां बनाते हैं। आपने ऊपर लिखा इट इज अ पी एंड एल अकाउंट ऑफ एबीसी फर्म। यहां पर आपने लिखा टू सैलरी, सैलरी कहिए या रेम्यूनरेशन कहिए। फिर आप बोलते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक फर्म को कितनी सैलरी अलाउ होगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एक फर्म को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसके लिए ये सेक्शन आपकी हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई हाउ मच सैलरी अ पार्टनरशिप फर्म कैन पे टू हिज पार्टनर एंड गेट द बेनिफिट एज एन डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। देखिए, जब मैं कहता हूं कितनी सैलरी पे कर सकती है तो पे करने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना दोस्त। फर्म है, फर्म के पार्टनर है, फर्म का मन कितनी भी सैलरी पे करे, एक रुपया पे करे, 10 रुपए पे करे, 100 रुपए पे करे, 1 लाख पे करे, 10 करोड़ पे करे, 1 करोड़ पे करे, इट इज अ चॉइस ऑफ फर्म। लेकिन इनकम टैक्स रेस्ट्रिक्शन लगाता है। इनकम टैक्स कहता है सुनो, आपने जो सैलरी पे करी है ना, आपने जो सैलरी पे करी है ना, इसमें पूरी की पूरी सैलरी आपकी अलाउ नहीं होगी इनकम टैक्स में। देयर इज सम कंडीशंस, देयर इज सम रेस्ट्रिक्शंस। आपको हम बताएंगे इस सेक्शन में कि आप कितनी सैलरी पे कर सकते हैं पार्टनर को। अगर आपने उतनी पे करी होगी तो कोई बात नहीं, अगर आपने उससे ज्यादा पे की होगी तो हम आपको जो डिडक्शन देंगे ना वो उतनी देंगे जो एज पर इनकम टैक्स निकल के आएगी। देखिए, वही तो बात फिर से हो रही है जो पहले भी आपको समझाई गई। आपने पी एंड एल बनाया और यहां पर लिखा खर्चा सैलरी टू पार्टनर। आपने बोला मैंने 1 लाख रुपए दिया, लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं भाई साहब आपको केवल 80,000 रुपए की ही डिडक्शन देंगे। तो क्या करेंगे, आपकी जब कंप्यूटेशन बनेगी तो कंप्यूटेशन में आपका नेट प्रॉफिट लेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे आपकी सैलरी और माइनस कर देंगे अलाउएबल सैलरी। ऐड कर देंगे 1 लाख और माइनस कर देंगे 80,000। क्या कह के कि 80,000 ही आप अलाउ करवा सकते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो बाकी जो 1 लाख रुपए है या बाकी जो 20,000 रुपए आप देख सकते हैं वो आपका अकॉर्डिंगली एड बैक कर दिया जाएगा अंडर द कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्लियर है यहां तक? आपको याद होगा इससे रिलेटेड एक पॉइंट भी मैंने आपको समझाया था क्लास नंबर 1 या 2 में, जहां पर मैंने बोला था 1 लाख रुपए की जो सैलरी आप पार्टनर को देंगे वो पार्टनर के हाथ में इनकम मानी जाएगी। अंडर विच हेड? इनकम अंडर हेड सैलरी या इनकम अंडर हेड पीजीवीपी? पीजीवीपी। तो ये इनकम है पार्टनर के हाथ में, पीजीवीपी में टैक्सेबल होगी। और अगर फर्म को केवल 80,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी तो क्या होगा, 80,000 रुपए पार्टनर की इनकम होगी और बाकी 20,000 रुपए पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाकी 20,000 पे फर्म ने टैक्स पे कर दिया है। अगर मान लीजिए फर्म को पूरे 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाती है, अलाउ हो जाती है सैलरी, तो पार्टनर के हाथ में पूरा 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? दूसरी बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी सेक्शन बताएगा कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा एज ए एक्सपेंडिचर इन द हैंड्स ऑफ
पार्टनरशिप फर्म, मतलब यहां पर जब फर्म अपना P&L अकाउंट बनाएगी तो P&L अकाउंट में कितनी सैलरी डाल पाएंगे, वो क्लेम कर पाएंगे, एलिजिबल होंगे वो डिडक्शन लेने के लिए, एलिजिबल होंगे वो इसका बेनिफिट लेने के लिए अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, कितना इंटरेस्ट यहां पर वो दे सकते हैं अपने पार्टनर को अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ये बताएगा सेक्शन जो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस सेक्शन विल एक्सप्लेन हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हाउ मच सैलरी इज अलाउड एज अ डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसकी कि वो यहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकती है। देखिएगा मेरे साथ क्या कहता है सेक्शन, एप्लीकेबिलिटी एंड द कंडीशंस। सो रेमुनरेशन पेड और पेबल बाय फर्म टू इट्स पार्टनर आर डिडक्टेबल ओनली इफ द कंडीशन मेंशन अंडर सेक्शन 184 एंड सेक्शन 40B आर फुलफिल्ड। सेक्शन 184 आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, आपके जो अभी सिलेबस में है स्टूडेंट्स वो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल और HUF। इसके अलावा जितने भी असेसमेंट आएंगे, असेसमेंट ऑफ कंपनीज, असेसमेंट ऑफ AOP, BOI, चैरिटेबल ट्रस्ट, वो सब आप सीए फाइनल में देखेंगे। तो यहां पर क्या कहता है ये सेक्शन, सेक्शन सेज रेमुनरेशन पेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म टू इट्स पार्टनर इज डिडक्टेबल, वो डिडक्टेबल हो जाएंगे, उसके खर्चे की डिडक्शन दे देंगे हम आपको, उसे हम खर्चा मान लेंगे ओनली इफ द कंडीशन मेंशन अंडर सेक्शन 184 एंड सेक्शन 40B आर फुलफिल्ड। तो 184 तो आप पढ़ नहीं रहे, 40B आप पढ़ रहे हैं, 40B की कंडीशन देखिए क्या है, वो कंडीशन जिनके पूरा होने पर हम आपको उस खर्चे की डिडक्शन दे देंगे। देखिए वन ऑफ द कंडीशन रिक्वायर्स दैट देयर शुड एग्जिस्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट, आपके बीच में एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए विच कंफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो ये प्रूव करती हो कि ये पार्टनरशिप फर्म बनी है, सच अ पार्टनरशिप डीड। तो क्या होता है वो डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप को प्रूव करता है, पार्टनरशिप डीड होती है। ये बात तो आप 12th क्लास में भी पढ़ के आए थे, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो एक डीड भी बनाते होंगे, और डीड में क्या लिखते हैं आप, सर हम डीड में लिखते हैं कि व्हाट विल बी दी पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आर दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड और नॉट, आर दी सैलरी टू वर्किंग पार्टनर और नॉन वर्किंग पार्टनर अलाउड और नॉट, अगर डिस्प्यूट होगा तो कैसे होगा, डिसोल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे, कोई रिटायर होना चाहता है तो कैसे करेंगे, एडमिशन कोई लेना चाहता है तो कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें कहाँ लिखते थे आप, पार्टनरशिप डीड में लिखते थे। तो ये भी तो यही बात बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को पार्टनरशिप का दर्जा देना चाहते हो या पार्टनरशिप की कैटेगरी में लाना चाहते हो तो उनके बीच में एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो लीगल डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं होता, वो लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होती है। आगे देखिए सच लीगल डॉक्यूमेंट शुड गिव द फर्म टू पावर टू पे द रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। तो अगर डीड में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गलतियां होती हैं यहां पर आप लोगों से, एमसीक्यू में भी गलतियां होती हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में भी गलतियां होती हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक फर्म को रेमुनरेशन की डिडक्शन केवल तभी दी जाएगी, एक फर्म को रेमुनरेशन के खर्चे की डिडक्शन केवल तभी दी जाएगी जब उसकी डीड में लिखा होगा कि आप रेमुनरेशन दे सकते हैं। एक फर्म को रेमुनरेशन की डिडक्शन दी जाएगी, केवल तभी दी जाएगी जब आप अपनी डीड में लिखेंगे कि एक पार्टनर को या इन पार्टनर्स को आप रेमुनरेशन दे सकते हैं। डीड में कितनी रेमुनरेशन लिखी होगी ये जरूरी नहीं है, डीड में कितनी रेमुनरेशन दी जाएगी इसका लिखा होना जरूरी नहीं है,
लेकिन डीड में ये जरूर लिखा होना चाहिए कि रेम्यूनरेशन दी जाएगी। डीड में कितनी रेम्यूनरेशन दी जाएगी इसका लिखा होना जरूरी नहीं है, बट डीड में ये होना चाहिए कि रेम्यूनरेशन दी जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप देखेंगे। इनकम टैक्स बोलेगा आपने डीड में जो लिखा वो सब बेकार की बात है, हम बताएंगे कि कितनी रेम्यूनरेशन आप दे सकते हैं। देखिए ना, मेरे वाले एग्जाम्पल में आपने 1 लाख रुपए सैलरी दी, तो ये आपने कैसे दी? क्योंकि डीड में लिखा था 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, लेकिन इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं हमारे लिए 1 लाख रुपए काम का नहीं है, हमारे लिए 1 लाख रुपए काम का नहीं है, हम आपको बताएंगे कि कितनी रेम्यूनरेशन आप दे सकते हैं। तो वो अमाउंट क्या निकल के आया, मान लो 80,000। तो सरकार कह रही है हम आपको बताएंगे हाउ मच सैलरी यू कैन पे टू द पार्टनर। पे आपने कर दिया 1 लाख, कोई बात नहीं, लेकिन हम डिडक्शन कितनी देंगे, 80,000। तो 20,000 रुपए हम क्या कर देंगे, आपकी इनकम में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि आपने 1 लाख रुपए P&L में माइनस कर रखा है, तो जब आपने नेट प्रॉफिट निकाले हैं वहां पर आपने 1 लाख रुपए माइनस कर लिया है, बट आपको जो अलाउेबल एक्सपेंडिचर हम दे रहे हैं वो 80,000 है, तो पहले 1 लाख जोड़ेंगे और 20,000 माइनस करवा देंगे। देखिएगा इसके बाद क्वांटम ऑफ डिडक्शन, तो कितनी डिडक्शन देंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ टू एनी वर्किंग और नॉन वर्किंग पार्टनर। मतलब आप इंटरेस्ट चाहे वर्किंग पार्टनर हो चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर हो, आप दोनों को दे सकते हैं, इनकम टैक्स इसको अलाउ कर देगा। आप दोनों को दे सकते हैं, इनकम टैक्स इसको अलाउ कर देगा कंडीशन के साथ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट शेल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग रेट स्पेसिफाइड इन द डीड और 12% पर एनम विच एवर इज लोअर। तो अगर मान लीजिए आपकी डीड कहती है 24% का इंटरेस्ट देंगे और आपने 24% का इंटरेस्ट दे दिया पार्टनर को, तो आपको फर्म के हैंड्स में अलाउ कितना होगा, केवल 12%। आपकी डीड कहती है 9% देंगे और आपने 9% दिया, तो अलाउ कितना होगा, 9%। किसके हाथ में, फर्म के हाथ में। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर पार्टनर के हाथ में क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। दूसरा केस सुनिए, आपकी डीड कहती है हम पार्टनर को 15% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन आपने एक्चुअली में दिया है 9%। आपकी डीड कहती है 15% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, आपने दिया कितना है, 9%। अलाउ कितना होगा बताइए, अलाउ कितना होगा, 12% तक अलाउ हो जाएगा, बट क्योंकि आपने दिया ही 9% है तो वो 9% ही रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तीसरा चौथा केस सुनिए, आपकी डीड कहती है इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और फिर भी आपने इंटरेस्ट दे दिया, बताइए कितना अलाउ करेंगे, बताइए कितना अलाउ करेंगे। सर अलाउ नहीं करेंगे, पूरा का पूरा डिस अलाउड हो जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात, मैं दो रीजन से कह रहा हूं। एक तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा है, आप कोई भी चीज दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन वहां पर मस्ट बी पावर टू पे रेम्यूनरेशन टू। चलिए वो अच्छा ठीक है, यहां पर आप बोलेंगे रेम्यूनरेशन पर ये बात लिखी हुई है सर, इंटरेस्ट पर नहीं लिखी, तो चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। यहां पर आइए, रेट स्पेसिफाइड इन डीड क्या लिखा है, 0 और 12 विच एवर इज लीस्ट, 0। तो यहां पर अलाउ कितना हो जाएगा, 0। और 0 अलाउ होने का मतलब कि इनकम टैक्स कह रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे कर सकते, बट फिर भी आपने पे कर दिया, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, डिस अलाउ कर देंगे। क्लियर। इसी तरह से अभी मैं क्वेश्चंस पर भी आऊंगा, इसके स्पेसिफिकली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसको और ज्यादा हम अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे। बट इससे पहले देखिएगा, सैलरी बोनस कमीशन और अदर रेम्यूनरेशन
एंड इट इज अलाउड ओनली टू अ वर्किंग पार्टनर। ये केवल और केवल किसको मिलेगी? वर्किंग पार्टनर्स को मिलेगी। अगर मान लीजिए आप वर्किंग पार्टनर नहीं है तो आप इन सैलरी नहीं दे सकते। दे तो सकते हैं, दे सकते हैं, देने पर रोक नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स में उसे खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। आप इनकम टैक्स में ये नहीं कह सकते कि मैंने एक नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी दी तो इसे खर्चा मान लो और मेरे प्रॉफिट को कम कर दो। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो अगर आप नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी पे करते हैं, दैट एक्सपेंस विल नॉट बी अलाउड एंड विल नॉट बी कंसिडर एज एक्सपेंडिचर इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अगर आप कहते हैं मैंने वर्किंग पार्टनर को दिया तो जितनी सैलरी आपने उसे दी वो पूरी की पूरी सैलरी आपके लिए खर्चा नहीं मानी जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट आपको बताएगा कि आप कितनी सैलरी एज ए एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं और कितनी सैलरी आप एज ए एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अभी ही कराऊंगा। देखिएगा, आप कहते हैं मेरे पास पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट हैं। अभी बुक प्रॉफिट छोड़ दीजिएगा क्या होते हैं। आप कहते हैं अगर आपके पास पहले 3 लाख रुपए के बुक प्रॉफिट हैं तो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर। यहां लिखिएगा 90% और 150 विच एवर इज हायर। इतनी आप सैलरी, इतनी आप रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं टू अ वर्किंग पार्टनर। किसको? वर्किंग को। नॉन वर्किंग को भी आप दे सकते हैं, हम देने पे मना नहीं कर रहे। भाई आपकी फर्म है, आप पार्टनर हो, आप कुछ भी करो, लेकिन इनकम टैक्स में आप एक्सपेंस किसे मना सकते हैं? एक्सपेंस की डिडक्शन किस में ले सकते हैं? इफ इट इज गिवन टू द वर्किंग पार्टनर ओनली। तो अगर वो केवल वर्किंग पार्टनर को दी गई है तभी आपको डिडक्शन देंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन। और जो बाकी आपके बुक प्रॉफिट बचे, पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट पे तो मैंने बोल दिया 90% कर लो और 1,50,000 कर लो, विच एवर इज हायर। तो जो बाकी आपके प्रॉफिट बचे हैं उस पर आपको करना है 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। क्लियर? एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा, मैं यहां पर बोलता हूं मेरे बुक प्रॉफिट हैं मान लीजिए 6 लाख रुपए। अब आप बताइए आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउ कितना हो सकता है? अलाउ, अलाउ का मतलब क्या है? आप इतने तक अगर रेम्यूनरेशन पे करेंगे तो हम आपको उतने की डिडक्शन दे देंगे। इतने तक पे करेंगे तो हम उतने की डिडक्शन दे देंगे। अगर इससे ज्यादा करोगे तो इतने की ही देंगे, इससे कम करोगे तो जितना दिया है उतने की ही देंगे। भाई आप P&L में कह रहे हैं मैंने 1 लाख रुपए पे करे, आप कर सकते थे 1,20,000, तो हम आपको डिडक्शन कितने की देंगे? 1 लाख की तो देंगे। जब आपने पे ही 1 लाख किया है तो 1 लाख की ही तो डिडक्शन दोगे, 1,20,000 की थोड़ी दे दोगे। अब आप कह रहे हो सर पे मैंने किया है 1,50,000, कर सकता था मैं 1,20,000 बस, तो कितने की डिडक्शन दोगे? 1,20,000 की। 1,20,000 की जो डिडक्शन दे दोगे वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। और जो 30,000 आपने यहां पर इस वाले केस में जो 30,000 फर्म के हाथ में टैक्सेबल कर दिया वो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? अब मुझे बताइएगा आपने 6 लाख रुपए आपका बुक प्रॉफिट है, आप कितनी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पे कर अलाउ कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट 3 लाख, पहले 3 लाख 90% ऑफ ₹3 लाख और 1,50,000 विच एवर इज हायर। बताइए इसमें ज्यादा क्या है? 2,70,000। केस नंबर 2, आपके बुक प्रॉफिट है 7 लाख, बताइए कितनी दे सकते हैं आप? आप बोलेंगे सर 90% ऑफ, अच्छा सॉरी अभी नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज कंप्लीट नहीं हुआ है,
अब आप आगे बोलेंगे ऑन द नेक्स्ट रुपीज 3 लाख, भाई 6 लाख में से 3 इधर चले गए, बचे अगले 3, तो इसका आप दे सकते हैं 60% ऑफ 3 लाख, कितना आ जाएगा 1,80,000। सो 180 ये और 270 ये, तो 2,70,000 प्लस 1,80, आप टोटल डिडक्शन दे सकते हैं 270 प्लस 1,80, जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं। केस नंबर 2 लीजिए, आपका बुक प्रॉफिट है मान लीजिए 7 लाख रुपीस, तो आप कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे फर्स्ट 3 लाख 90% ऑफ रुपीस 3 लाख और 1,50,000 विच एवर इज हायर, क्या आ जाएगा बाहर 2,70,000, ऐसा ही लिखा है ना, पहले 3 लाख पे 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर। नेक्स्ट कितने बचे, 7 में से 3 गए 4 लाख, नेक्स्ट कह दीजिए या बैलेंस कह दीजिए एक ही बात है, तो इस 4 लाख पे कितना ले सकते हैं आप 60%, जो कि कितना आ जाएगा 2,40,000, तो 2,40 और 2,70 टोटल कितना ले सकते हैं आप 2,40 और 2,70 जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आप कर लीजिएगा टोटल, इतना आप क्लेम कर सकते हैं। 2 और 2 4, 5,10,000 आएगा। चलिए केस नंबर 3 समझिएगा, मेरे बुक प्रॉफिट हैं 2 लाख, बताइए मैक्सिमम अलाउएबिलिटी कितनी आएगी? सर आप क्या बोलेंगे, अब फर्स्ट 3 लाख, तो फर्स्ट 3 लाख तो है ही नहीं, आपके पास कितना है फर्स्ट 2 लाख, तो आप यहां पे 3 को बदल के क्या कर देंगे, आप यहां लिखेंगे फर्स्ट 2 लाख, क्या लिखेंगे 2 लाख का 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा होगा, तो 2 लाख का 90% कितना आ जाएगा 1,80,000 और 1,50,000 विच एवर इज हायर 1,80,000। क्लियर। फोर्थ नंबर केस, आपके बुक प्रॉफिट है 1 लाख, बताइए कितना लेंगे? आप बोलेंगे सर 90% ऑफ 180 और 1,50,000 विच एवर इज हायर, तो बताइए क्या ज्यादा आएगा 1,80,000 सॉरी 1 लाख, 1 लाख का 90% 90,000 और 1,50,000, तो बाहर क्या आ जाएगा 1,50,000। केस नंबर 5 देखिए, आपका बुक प्रॉफिट 0 है, 0 मतलब निल है, अब बताइए क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर 90% ऑफ 0 और 1,50,000, बताइए कितना आ जाएगा बाहर 1,50,000। एक केस और लीजिए, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। आपका बुक प्रॉफिट है इस बार लॉस 1 लाख का, अब आप क्या बोलेंगे? सर 90% ऑफ 1 लाख का लॉस मतलब -90,000 और कंपेयर करेंगे इसे 1,50,000 से, विच एवर इज हायर, क्या लेंगे बाहर 1,50,000। अब इन सभी एग्जाम्पल से अगर आप कुछ समझ पाए हो, एक मैसेज आपको क्लियर हुआ हो, तो वो मुझे बताइए क्या मैसेज है। देखिए मैं आपको नोटिस करवाना शुरू करता हूं, आप लॉस के केस में थे, आप लॉस के केस में थे, आपको डिडक्शन कितनी दे रहे थे 1,50,000,
डिडक्शन दे रहे थे, ये कह रहे थे कि अगर आप 1,50 तक की सैलरी पे करोगे तब भी हम आपको 1,50 की डिडक्शन दे देंगे, चाहे आप लॉस में ही क्यों ना हो। जब आपका बुक प्रॉफिट जीरो था या नील था तब भी हमने आपको 1,50 दे दिया था। जब आपका बुक प्रॉफिट 1,00,000 था तब भी हमने आपको 1,50 तक की डिडक्शन देने की बात कर दी थी। जब आपका बुक प्रॉफिट 2,00,000 था तब हम आपको 1,80 की डिडक्शन दे रहे थे या दे सकते थे। सो द मैसेज इज, द पॉइंट इज कि हम यहां पर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कम से कम 1,50,000 रुपए की तो डिडक्शन आपको देंगे ही देंगे। हम 1,50,000 रुपए की तो आपको डिडक्शन देंगे ही देंगे। मतलब अगर आपने 1,50,000 रुपए तक की सैलरी दी होगी तो इतने की तो डिडक्शन आपके लिए हमने पहले ही तैयार कर दी है, ले जाओ। हाँ, कम सैलरी दी होगी तो डिडक्शन भी कम कर देंगे, ज्यादा दी होगी तो 1,50 तो कम से कम हम आपको दे ही रहे हैं, चाहे आप लॉस में हैं चाहे आप कितने भी प्रॉफिट में हैं, 1,50 तो हमने आपके लिए सजा के रखे हुए हैं, आओ और हमसे डिडक्शन ले जाओ। सो व्हाट आई कैन से हियर, मैं ये कह सकता हूं अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देती है तो 1,50,000 रुपए तक की सैलरी के लिए उसे सोचना नहीं पड़ेगा। 1,50,000 रुपए की तक की जो सैलरी होगी उसकी तो उसे डिडक्शन वैसे भी मिल जानी है, वैसे भी मिल जानी है। तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को अगर 1,50,000 रुपए की डिडक्शन दे देती है, सैलरी दे देती है, तो उसे इसकी डिडक्शन मिल जाएगी विदाउट एनी चैलेंज, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बुक प्रॉफिट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, मुद्दा है इसके बाद का। तो इसके बाद के लिए उसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मेरे बुक प्रॉफिट क्या है, मैंने एक्चुअल सैलरी क्या दी और मुझे अलाउ कितनी हो सकती है। तो 1,50 तक की तो डिडक्शन उसे वैसे भी मिल जानी है, वैसे भी का मतलब अगर उसने 1,50 तक सैलरी दे दी तो उतने तक की सैलरी की तो डिडक्शन उसे मिल जाएगी। आपने 50,000 रुपए सैलरी दी पार्टनर को, डिडक्शन कितनी लोगे? 50। आपने 80,000 दी, कितनी लोगे? 80। आपने 1,00,000 रुपए पे करी सैलरी, डिडक्शन 1,00,000। आपने 1,50,000 रुपए पे करी, डिडक्शन 1,50,000। आपने 2,00,000 रुपए पे कर दी तो डिडक्शन कम से कम 1,50,000 तो है ही, उसके ऊपर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है हम यहां तक या नहीं? चलिएगा मेरे साथ आगे देखिएगा स्टूडेंट, इसके आगे क्या लिखा हुआ है। सो बुक प्रॉफिट का मतलब यहां पर बताया गया है अब आपको, द नेट प्रॉफिट एज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। तो जो पीजीबीपी के हिसाब से आपकी इनकम निकालेंगे, पीजीबीपी के हिसाब से वो आपका बुक प्रॉफिट है। मेरे साथ आइएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए क्योंकि अक्सर यहां गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, बुक प्रॉफिट गलत कैलकुलेट करके आते हैं एग्जाम में और फिर कहते हैं कि हमारे नंबर कम क्यों आए हैं। देखिए, मैंने यहां पर मान लीजिए डेप्रिसिएशन का खर्चा लिखा है, मैंने यहां पर मान लीजिए रेंट लिखा है, मैंने यहां पर मान लीजिए सैलरी लिखी है, मैंने यहां पर मान लीजिए कोई और खर्चा भी लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इस तरह से मेरे कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हैं, तो यहां पर आपका आ गया नेट प्रॉफिट। क्या ये जो नेट प्रॉफिट है ये आपका बुक प्रॉफिट है? बताइए, क्या ये बुक प्रॉफिट है? नहीं सर, ये बुक प्रॉफिट नहीं है। क्या है बुक प्रॉफिट? उन्होंने बोला कि जो आपका प्रॉफिट एस पर इनकम टैक्स आएगा, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स के कौन से रूल? पीजीबीपी के रूल, उसके हिसाब से जो प्रॉफिट होगा वो आपका बुक प्रॉफिट है। तो मुझे बताइए, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए क्या पहले सारी बातें मेरे को वो पढ़ के आनी पड़ेंगी पीजीबीपी में जो मैंने अब तक डिस्कस की हैं? यस, क्योंकि यहां पर जो आपने डेप्रिसिएशन डाला है ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? अकाउंटिंग का। हम इसे क्या करेंगे? जोड़ देंगे।
और क्या माइनस कर देंगे, सेक्शन 32 के हिसाब से डेप्रिसिएशन। यहां पर जो आपने रेंट डाले हैं वो किसके हिसाब से हैं, अकाउंटिंग के। हम इसको जोड़ देंगे और आपको कौन से रेंट अलाउ कर देंगे, जो सेक्शन 30 के हिसाब से हुए होंगे। यहां पर जो आपने सैलरी टू पार्टनर दी है ये हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और आपको अलाउ करेंगे कौन सी सैलरी, जो आप इस सेक्शन के हिसाब से कंप्यूट करेंगे। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, आपको P&L अकाउंट जो दिया हुआ है उसका नेट प्रॉफिट नहीं लेना, उस नेट प्रॉफिट में पहले आप वो सारी एडजस्टमेंट्स करो जो PGBP में होती हैं, फिर जो आपका बुक प्रॉफिट आएगा, फिर जो आपकी इनकम आएगी उसे हम बुक प्रॉफिट मानेंगे, उसे हम कहेंगे कि ये है बुक प्रॉफिट, और उस बुक प्रॉफिट का 90% और 1/50 विच एवर इज हायर के हिसाब से आप निकालेंगे कि कितना अमाउंट आपको अलाउ हो सकता है एज ए डिडक्शन। क्लियर है हम यहां तक, आइएगा। द अबव अमाउंट शुड बी इंक्रीज बाय द रेमुनरेशन पेड और पेबल टू ऑल द पार्टनर ऑफ अ फर्म इफ द सेम हैव बीन डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट्स। तो जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला है, अगर वहां पर आपने सैलरी टू पार्टनर का खर्चा डाल रखा है, तो इसका मतलब आपके नेट प्रॉफिट रिड्यूस्ड हैं, और जब ये रिड्यूस्ड हैं तो आपको वापस जोड़ना पड़ेगा ताकि आप अपने बुक प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर पाए। क्लियर है हम यहां तक, कोई डाउट कंफ्यूजन? नहीं सर। स्टूडेंट्स, इस वाले प्रोविजन पर भी मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस रखे हैं मेरे क्वेश्चन बैंक में। तो जब आपके पास क्वेश्चन बैंक आ जाएगा इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर का, तो आप वहां से इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका और डेवलप हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 41, प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। ये एक तरह से डीमिंग सेक्शन है जो ये कहता है कि हम इसे आपकी इनकम मान लेंगे, इसे हम आपकी इनकम मान लेंगे। क्या होता है स्टूडेंट समझिएगा, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको किसी ने लोन दिया, आप हैं ABC लिमिटेड, आपने किसी कंपनी से किसी पर्सन से लोन लिया, ये लीजिए लोन टेकन। क्या एंट्री डालेंगे आप, लोन टेकन आप एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ये क्या है आपकी लाइबिलिटी, ये लोन आपके लिए क्या बन जाएगी लाइबिलिटी। इस लाइबिलिटी को आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे, यस और नो बताइए, क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे यस, कहां पर, लाइबिलिटी में। दूसरा केस लीजिए, आपने किसी से परचेज किया उधार, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये क्रेडिटर कहां दिखाओगे आप, बैलेंस शीट में, कहां दिखाओगे बैलेंस शीट में। अब सवाल ये आता है कि आपने इस लोन की पेमेंट नहीं दी, या जिसने आपको लोन दिया था उसने आपको बोला कि अब मुझे इसकी पेमेंट नहीं चाहिए, मैं अपना लोन आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आपने इस क्रेडिटर की पेमेंट नहीं दी, या क्रेडिटर आपको बोलता है कि अब मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, आप ये पैसा अपने पास रख लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं आप अकाउंटिंग एंट्री क्या डालेंगे इसकी। मान लीजिए आपका लोन वेव हो गया, आपको लोन वेव कर दिया सरकार, बैंक ने बोला कि अब हमें लोन वापसी नहीं चाहिए, या जिस पर्सन ने आपको लोन दिया था उसने बोला अब मुझे लोन वापस नहीं चाहिए, आप रख लो मेरे को पैसे नहीं चाहिए, आप एंट्री क्या डालोगे, आप बोलोगे लोन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करोगे बताइए, क्या क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे लेकिन पैसे तो गए नहीं, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे कैश भी नहीं गया, तो फिर क्या क्रेडिट करेंगे, सोचिए सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, एक एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, कंप्यूटर
कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए, अगर आपका लोन देने वाला पर्सन आपको बोले कि आप लोन वापस मत देना, राइट ऑफ कर दो, लोन राइट ऑफ कर दो, आप क्या एंट्री डालेंगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। कमेंट बॉक्स में बताने के बाद फिर आप इस वीडियो को ओपन करना और देखना कि आपका आंसर सही है या गलत है। सो प्लीज वीडियो को पॉज कर दो, आंसर दो और फिर यहां पर वापस आओ। सो योर पॉज टाइम स्टार्ट नाउ। अब आइए वापस और बताइए मुझे क्या एंट्री डाली आपने, लोन अकाउंट डेबिट टू P&L क्रेडिट। आप बोलेंगे सर लोन मेरी लाइबिलिटी थी खत्म हो गई, डेबिट कर दिया, लेकिन ये जैसे ही लोन मेरा खत्म हुआ तो यहां पर मुझे एक इनकम हो गई, ये मेरा फायदा हो गया, और ये इनकम क्या है? P&L अकाउंट क्रेडिट इनकम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। आपके क्रेडिटर ने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्या एंट्री डालेंगे आप? आप बोलेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू P&L। अब सुनिए प्रॉब्लम क्या है, आपने जैसे ही P&L में एंट्री डाली, आपने P&L में क्रेडिट बुक कर दिया, इनकम टैक्स वालों ने कहा हम इस पर टैक्स लेंगे क्योंकि आपकी इनकम है। असस्सी बोलता है सॉरी आप इसे इनकम नहीं मान सकते क्योंकि ये मेरे बिजनेस से इनकम नहीं आई है, ये तो रेमिशन है। रेमिशन मतलब ये तो मेरे को किसी ने दया भावना में अपना पैसा छोड़ दिया है। क्या ये मेरे बिजनेस की वजह से हुआ है? क्या मेरे ऑपरेशंस हैं? क्या मैंने सेल करी थी? द आंसर इज नो, आपने सेल नहीं करी थी। एक सेक्शन बनाया गया सेक्शन 41 डीम्ड इनकम का, उसके अंदर ये लिख दिया गया, जानबूझ के लिख दिया गया कि अगर आपकी लाइबिलिटी में कोई रेमिशन मिलती है, अगर आपकी लाइबिलिटी में कोई आपको रेमिशन दे देता है, क्रेडिटर आपका पैसा छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताइएगा, आपने जिसको माल बेचा है आप कह रहे हैं तुम मुझे पैसा मत देना, तो ये आपका प्रॉफिट है या लॉस है? ये लॉस है, वहां पर वो आपके लिए एक तरह से बैड डेट है, लेकिन आपने जिससे माल खरीदा था अब वो कह रहा है मुझे पैसा मत देना, तो ये क्या है? सर ये इनकम है, और ये सेक्शन 41 में लिख दी गई है डीम्ड इनकम। क्या कहता है सेक्शन? सेक्शन सिंपली सेज अगर आपको कोई रेमिशन मिलती है, रेमिशन इन द लाइबिलिटी, तो वो रेमिशन ऑफ द लाइबिलिटी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच रेमिशन ग्रांटेड। सिमिलरली एक और चीज देखिएगा, फिर सेक्शन पर चलेंगे। आपको कभी बैड डेट हुआ था? चलिए बैड डेट छोड़िए, उससे पहले एक और बात समझिए, आपने प्रोविजन बनाया था बैड डेट का, इनकम टैक्स वालों ने अलाउ किया था या नहीं? नहीं अलाउ किया था। लास्ट क्लास याद करिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की डिडक्शन नहीं मिलती। आपने प्रोविजन बनाया, इनकम टैक्स ने अलाउ नहीं करा, लेकिन उन्होंने ये भी बोला जिस दिन ये एक्चुअल में बैड डेट हो जाएगा उस दिन आ जाना, डिडक्शन दे देंगे। अमाउंट एक्चुअल में बैड डेट हो गया, इनकम टैक्स वालों ने उसकी डिडक्शन दे दी। अब वो जो बैड डेट हुआ था, वो बंदा आपके पास आता है लौट के, कहता है ये मेरे से पैसे ले लो, तब मेरे से गलती हो गई थी, मैं तुम्हारा पैसा मार के भाग गया था, अब आज मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैं आपका पैसा लौटाने आया हूं। आप मना कर दोगे कि नहीं नहीं मुझे तो इनकम टैक्स वालों ने डिडक्शन दे दी है, तो तुम क्या करोगे मुझे पैसा दे के? मत दो, आप मना नहीं करोगे। जैसे ही आप उससे पैसे लोगे, इनकम टैक्स वाले पीछे से आके धप्पा करेंगे या नहीं करेंगे? क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि इस पैसे की तो आप हमसे डिडक्शन ले चुके हो, इस पैसे को तो आपने क्या बोला था कि ये बैड डेट है, हमने बैड डेट के नाम से आपको डिडक्शन दे दी थी, अब क्योंकि ये बैड डेट की रिकवरी आई है, क्योंकि ये बैड डेट की रिकवरी आई है, क्योंकि इट इज अ रिकवरी ऑफ अ बैड डेट, तो आज हम आपसे इनकम टैक्स मांगेंगे। देखो ना, जब बैड डेट हुआ था तब हमने आपको डिडक्शन दी थी, जब बैड डेट हुआ था तब हमने आपको डिडक्शन दी थी, तो आज ये बैड डेट रिकवर हो रहा है तो आपकी इनकम है, इनकम पर टैक्स दे दो। सिंपल इतनी सी बात सेक्शन 41 में सरकार ने लिखी है। देखिए क्या कहता है सेक्शन, आइएगा सेक्शन 41 देखते हैं क्या क्या कहता है।
सो फर्स्ट पॉइंट इज द रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटीज। तो अगर आपको कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी में सेसेशन दे देता है या रेमिशन दे देता है, इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ इनकम और इसे आप बिजनेस इनकम मानेंगे। देखिएगा, रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन। अगर पहले हमने आपको कभी जिंदगी में डिडक्शन दे दी थी, जैसे बैड डेट की डिडक्शन दे दी थी, कोई आपको लॉस हो गया था उसकी डिडक्शन दे दी थी, और बाद में आप उसकी रिकवरी कर लाते हैं, तो वो हम आपका टैक्सेबल कर देंगे। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, ऐसा ही पॉइंट मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी में भी करवाया था। अगर आपको याद होगा तो हाउस प्रॉपर्टी में जब आपको एक किराया नहीं मिला था तो मैंने उसकी डिडक्शन दी थी अनरियलाइज रेंट के नाम से, लेकिन जब 2-4 साल बाद वही किराया आपको फिर मिल गया था उसी किराएदार से, तो वहां पर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट टैक्सेबल कर दिया था। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट विद पीजीबीपी। आगे देखिएगा, दिस सेक्शन अप्लाइज इफ बोथ द कंडीशंस आर मेंशन बिलो आर फुलफिल्ड। पहली कंडीशन देखिए, एनी एक्सपेंडिचर और लॉस और ट्रेडिंग लाइबिलिटी हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन इन एनी प्रीवियस ईयर। मान लीजिए आपका बैड डेट पहले बैड डेट था, हमने आपको डिडक्शन दे दी थी, हाँ दे दी थी। नाउ सब्सिक्वेंटली देयर इज अ रिकवरी ऑफ सच एक्सपेंडिचर, बाद में आपको उसकी रिकवरी हो जाती है, और लॉस और ट्रेडिंग लाइबिलिटी ईदर इन कैश, चाहे कैश में हो जाती है, और इन एनी अदर मैनर या किसी और दूसरे तरीके से हो जाती है। मान लीजिए आपको कैश नहीं मिलता, आप उसकी गाड़ी उठा लाते हैं, आपका बैड डेट हुआ, बैड डेट में आपको डिडक्शन मिल गई, 2 साल बाद आपको पता चला कि ये बंदा यहाँ छुपा हुआ बैठा है, आप उससे पैसे छीनने गए या मांगने गए, उसके पास एक BMW खड़ी थी, आप उसकी BMW ही उठा लाए। तो जैसे ही आप उसकी BMW उठा के लाएंगे तो यहां पर क्या हुआ, रिकवरी हो गई। अब रिकवरी कैश में तो हुई नहीं, कैसे हुई, अदर देन कैश हुई, तो इसे भी इनकम टैक्स में इंक्लूड कर लेंगे। सो बाय वे ऑफ रेमिशन ऑफ लाइबिलिटी और इन काइंड, यहां लिख लीजिएगा और इन काइंड, इन काइंड, तो उस केस में ये आपका टैक्सेबल होगा। आगे देखना, आगे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ रिकवरी इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट वेदर द बिजनेस इज इन एग्जिस्टेंस और नॉट इन द ईयर ऑफ रिकवरी। तो जब आप इसकी रिकवरी करेंगे ना, ये तब आपका टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे उस समय पर आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो। लास्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें रेमिशन और सेसेशन ऑफ अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी इंक्लूड रेमिशन और सेसेशन ऑफ अ लाइबिलिटी बाय यूनिलेटरल एक्ट ऑफ द असेसी बाय वे ऑफ राइटिंग ऑफ सच लाइबिलिटी इन हिज अकाउंट। तो अगर आपने एक लोन राइट ऑफ कर दिया, आपने अपनी बुक्स में बोला कि मैं आपको लोन वापस नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, आपने एंट्री पास कर दी ये वाली, आपने कहा लोन खत्म, मैं पैसे नहीं देता, लोन खत्म, और इनकम कर दी आपने बुक टू P&L, आपने ये एंट्री पास कर दी, तो जैसे ही आप ये एंट्री पास करोगे वैसे ही आपकी इनकम बुक हो जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। क्लियर है यहां तक? सो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, फिर से समझ लो, रेमिशन का मतलब ये नहीं होगा कि सामने वाला जब बोलेगा कि रेमिशन है, रेमिशन का मतलब ये भी होगा कि आपने अगर अपनी बुक्स में ये एंट्री डाल दी, मतलब आपने बोला मैं आपको पैसे नहीं देता, जो करना है कर लो, मैं आपको पैसे नहीं देता, लाइबिलिटी क्लोज, तो उस दिन आपकी इनकम बुक हो जाएगी एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी चार्ज अंडर इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 41। आपको सेक्शन 41 में इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन दैट रेमिशन ऑफ लाइबिलिटी जो आपने अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर दी है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिएगा, बैड डेट रिकवर। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको कोई पुराना बैड डेट है जिसकी रिकवरी अब आई है, तो वो रिकवरी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, बशर्ते आपका बैड डेट पहले एज ए डिडक्शन अलाउ हो गया हो। तो अगर हमने पहले बैड डेट की आपको डिडक्शन दे दी है, हमने उसे खर्चा मानते हुए, लॉस मानते हुए अलाउ कर दिया है, तो जब उसकी रिकवरी आएगी वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी।
सो एनी अमाउंट रिकवर्ड बाय द असेसी अगेंस्ट द बैड डेट अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन शेल बी टैक्स एज इनकम इन द ईयर इन विच इट रिसीव. तो जब वो आपको रिसीव होगा वो आपकी इनकम बन जाएगी. क्लियर है यहां तक? बताइए यहां तक कोई डाउट है आपको? नहीं सर. आइए दो छोटे छोटे सेक्शंस और हैं मेरे साथ मेरे पास, उसके बाद फिर मैं आपके साथ आज की इस क्लास को खत्म कर दूंगा. नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक फ्रेश कॉन्सेप्ट उठाएंगे इसी चैप्टर का. तो आज जाने से पहले दो छोटे छोटे सेक्शंस और समझ लेते हैं. बहुत ही छोटे सेक्शन है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात इसमें नहीं आएगी. सुनिएगा, चेंजेस इन द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी. मान लीजिए आप फॉरेन करेंसी में काम करते हैं, आप विदेश से कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आपको पता है डायनेमिक रेट्स हैं. यूएसडी का रेट आज कुछ है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा. तो जब आपके रेट्स में फ्लक्चुएशन आती है, फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो वहां पर आपको सम टाइम लॉस हो जाता है. कैसे होता है मैं बताता हूं. मान लीजिए आपने यूएस से परचेस किया यूएस डॉलर में, जब आपने परचेस किया तब रेट था 70 रुपए. आपने पार्टी से एग्री किया कि ठीक है मैं आपसे 1000 किलो ये वाला माल खरीदूंगा या मैं आपसे सर्विसेज लूंगा, तब रेट था 70 रुपए. बट जब आप पेमेंट करने पहुंचे तब रेट हो गया 72 रुपए. तो इसका मतलब अब आपको 2 रुपए फालतू देने पड़ रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी डॉलर. तो ये जो 2 रुपए है ना, ये आपका लॉस ही तो है. आपने कॉन्ट्रैक्ट को तो किया था 70 रुपए के रेट पर, बट आपको पेमेंट करनी पड़ रही है 72 रुपए के रेट पर. इट इज अ लॉस. समटाइम उल्टा होता है, आपने एक्सपोर्ट किया था, आपने बोला $1000 का एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट करते वक्त रेट था 70 रुपए, बट जब एक्चुअल में पेमेंट आनी थी तब रेट हो गया 68 रुपीज. तो वहां पर फिर आपको 2 रुपए का लॉस हो जाएगा. तो फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर आपको कभी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो भी आपका पीजीबीपी में ही कंसीडर या ट्रीट किया जाता है. कैसे करते हैं सेक्शन देखते हैं. 43A क्या कहता है सेक्शन? सेक्शन सेज वेयर अन एसएससी हैज एक्वायर्ड एनी असेट फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन and due to change in thereafter in the exchange rate of the two currencies involved. इसमें कौन सी करेंसी इन्वॉल्व है? एक इंडिया और एक यूएसडी. There is an increase or decrease in the liability. तो क्योंकि फॉरेन करेंसी में चेंज आ गया, फ्लक्चुएशन आ गई, तो या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ सकती है या लाइबिलिटी घट सकती है. Expressed in Indian rupee of the assessee at the time of making payment. तो जब आप उसकी पेमेंट करने जाते हैं तब माइट भी कि आपकी लाइबिलिटी ज्यादा हो जाए और आपकी लाइबिलिटी कम भी हो सकती है. क्या करना होगा आपको इसका? करना क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या है इसका? देखिए, एनी लॉसेस अराइजिंग ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट ड्यू टू फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन शैल बी एडेड टू दी WDV. रटिएगा मत, लॉजिकली समझिएगा मेरे साथ. आइए, आपने एक फर्नीचर खरीदा $1000 का, जब रेट 70 रुपए था, तो आपके हिसाब से फर्नीचर कितने का हो गया? 70,000 का. जब आप पेमेंट करने पहुंचे तो आपने $1000 पे किए, लेकिन रेट उस समय हो गया 72 रुपए. बताइए 2 रुपए का लॉस है या प्रॉफिट है? ये 2 रुपए का लॉस है या प्रॉफिट है? तो यहां पर जो आपको लॉस हुआ है 2 रुपए पर यूएसडी का, और 1000 यूएसडी आपको पे करनी है, तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं 2000 रुपए का आपको लॉस है. इस लॉस का आप क्या करेंगे? तो इनकम टैक्स एक्ट सेज कि ये लॉस आपका जोड़ दिया जाएगा इन द WDV ऑफ द असेट्स. तो जो WDV होगी असेट्स की, उसमें हम इसको जोड़ देंगे. क्लियर सर? अगर मान लो सिचुएशन ऐसी होती
कि मुझे $1,000 पे करने पड़ रहे हैं और वहां पर जो आपको पेमेंट देनी पड़ रही है $1,000 की, वो मान लीजिए 68 रुपीज है, तो यहाँ क्या होगा सर, आपको प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 2,000 का। और इस प्रॉफिट को क्या कहता है लॉ, लॉ पर आके देखिए क्या कहता है अब लॉ, ट्रीटमेंट में समझिए। एनी लॉसेस, अगर आपको लॉस हुए हैं अराइजिंग ऑन अ प्रिंसिपल पेमेंट ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन शेल बी एडिड टू द WDV ऑफ द असेट्स एंड डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड ऑन सच इंक्रीज्ड वैल्यू फॉर अ फ्यूचर ईयर। तो लॉसेस के केस में असेट आपकी 70,000 की नहीं है, जो मैंने एग्जांपल लिया, असेट कितने की है, 72,000 की। जबकि अगर गेन होगा तो क्या होगा, देखिए, सिमिलरली गेन अराइजिंग ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन शेल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ WDV। तो जो गेन हुआ है 2,000 रुपए का, वो आपका रिड्यूस कर देंगे WDV से, एंड डेप्रिसिएशन शेल बी कंप्यूटेड एट सच रिड्यूस्ड WDV इन द फ्यूचर ईयर्स। और आपका डेप्रिसिएशन भी आप 68,000 पर देंगे, ना कि 70,000 पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी सी बात कहता है स्टूडेंट्स ये छोटा सा सेक्शन, चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज और करेंसी। तो करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से अगर कभी कोई चेंज आएगा, अगर वो एसेट से रिलेटेड है, तो आप सिंपली सिंपली उसे एसेट में ही ऐड कर दो या एसेट से ही लेस कर दो। अब एक बच्चा यहां पूछेगा, सर अगर वो एसेट का नहीं है किसी खर्चे का है तो क्या होगा? मान लीजिए वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, मान लीजिए वो किसी सर्विस से रिलेटेड है, तो आप उस लॉस को P&L में रखेंगे। अगर वो लॉस है तो P&L में डेबिट, अगर वो प्रॉफिट है तो P&L में क्रेडिट। क्लियर? आइएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट, आज के लिए हम एक लास्ट सेक्शन कर रहे हैं, मैं और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा आज की क्लास को। करने का रीजन है इसको लास्ट, क्योंकि इसके बाद जो मेरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वो ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा PGVP में, जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। सो आई डोंट वॉन्ट टू मिक्स दी कॉन्सेप्ट जो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, मैं उसको फ्रेश ही रखना चाह रहा हूं। दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग वन मोर सेक्शन फॉर अ डिस्कशन फॉर टूडे। आज का लास्ट सेक्शन है, इसके बाद आप मेरी इस प्रताड़ना से दूर हो जाएंगे आज के लिए। कल फिर मैं आऊंगा आपके साथ और आपको जो क्लास नंबर 10 है वो शेयर की जाएगी। देखिएगा सेक्शन क्या कहता है, आपको याद होगा एक सेक्शन हमने पढ़ा था 43 कैपिटल गेन में, जो बात किसकी करता था, SDV की। वहां पर एक जगह पर मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको आपने होल्ड किया है एज ए कैपिटल एसेट, तो उसकी SDV पर बातें हमने करी थी कैपिटल गेन में। लेकिन वहां पर एक जगह लिखा भी था कैपिटल गेन की, अगर आपके पास बुक हो तो देखिएगा, वहां एक जगह लिखा था कि अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करेंगे, एज ए स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड करेंगे, तो वहां पर जो बातें होंगी वो सेक्शन 43 CA में होंगी, विच इज अंडर द हेड ऑफ PGBP। तो जब आप उसे कैपिटल एसेट की तरह से रखते हैं तो कैपिटल गेन में बातें होती हैं, लेकिन जब आप उसे रखते हैं अंडर द हेड ऑफ एज ए स्टॉक इन ट्रेड अंडर द हेड ऑफ PGBP, तो बातें सेक्शन 43 CA में होती हैं। क्या कहता है ये सेक्शन देखिए, टैक्स ट्रीटमेंट फॉर पर्सन एंगेज इन द ट्रेड ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एज ए स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को स्टॉक इन ट्रेड रखते हैं और फिर आप उस लैंड एंड बिल्डिंग को बेचते हैं, तो वहां पर जो आपकी टैक्स कॉम्प्यूटेशन होगी, कैलकुलेशंस होंगी, वो अंडर द हेड PGBP होंगी, एज पर सेक्शन 43 CA होंगी। देखिएगा क्या कहता है ये सेक्शन, एप्लीकेबिलिटी, दिस प्रोविजन अप्लाइज टू अ पर्सन हु आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ अ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। इन अदर वर्ड्स, द प्रोविजन अप्लाइज टू अ प्रॉपर्टी डीलर
फॉर हुम द लैंड और बिल्डिंग फॉर्म पार्ट ऑफ अ स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप लैंड या बिल्डिंग खरीदने बेचने का काम करते हैं तो वहां पर आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा। इफ एनी लैंड एंड बिल्डिंग इज सोल्ड बाय अ प्रॉपर्टी डीलर एंड द सेल्स कंसिडरेशन इज लेस देन द एसडीवी, कैपिटल गेन याद करते रहिएगा, सेक्शन अपने आप समझ आ जाएगा। कैपिटल गेन में क्या था, अगर आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं विच इज हेल्ड एज ए कैपिटल एसेट और वहां पर आपकी एसडीवी से कम हो जाती है फेयर सेल कंसिडरेशन, तो एसडीवी क्या बन गई थी, एफएमवी बन गई थी और उसे हमने फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन मान लिया था। सो यहां भी यही बात है, इफ द सेल कंसिडरेशन इज लेस देन द एसडीवी तो उस केस में क्या होगा, द एसडीवी ऑफ सच लैंड एंड बिल्डिंग इन केस ऑफ द एसडीवी शैल बी डीम्ड टू बी द सेल कंसिडरेशन। तो आपकी एसडीवी बराबर आ जाएगी, बन जाएगी फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन या फिर सेल्स कंसिडरेशन की। सो इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी डीलर सेल प्राइस टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट शैल बी हायर ऑफ द बिलो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल अमाउंट फॉर विच द लैंड एंड बिल्डिंग इज ट्रांसफर। मान लीजिए आप ये कहते हैं मैंने बिल्डिंग 2 करोड़ की बेची, एसडीवी 1.5 करोड़ थी, तो फिर हम एसडीवी लेंगे या 2 करोड़ लेंगे, 2 करोड़ लेंगे। भाई वहां भी तो यही था कैपिटल गेन में, भूल गए हैं क्या, फिर से याद करिए, कैपिटल गेन में था जब एक बंदा कहता था एसडीवी है 50 लाख, मैंने प्रॉपर्टी बेच दी 40 लाख की, तो सरकार कहती थी जब रेट ही इसका 50 है तो आपने 40 में कैसे बेच दी, 50 लेंगे। आदमी कहता था सर एसडीवी है 50 लाख बट मैंने इसे 70 लाख में बेच दिया, तो सरकार क्या ये कहती थी क्यों बेच दिया ज्यादा में, सरकार कहती थी अच्छी बात है बेच दिया तो लाओ 70 लाख पे टैक्स दे दो। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है, जो आपका सेल कंसिडरेशन है और एसडीवी विच एवर इज हायर शैल बी द इनकम शैल बी द सेल्स कंसिडरेशन डीम्ड सेल कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। आगे देखना, However, if the stamp duty value does not exceed 100% of the sales consideration received or accruing, then such consideration shall be deemed to be the full value of the consideration for the purpose of computing PGBP income. I think ये 100 नहीं होना चाहिए, it is something 110, it is 110%, इसको ठीक कर लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अगर सेल प्राइस में और एसडीवी में 110% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों में 10% का वेरिएशन है तो चल जाएगा, ज्यादा है तो ऐसे में एसडीवी कंसीडर की जाएगी या आपका सेल प्राइस विच एवर इज हायर। इसके बाद जो पैरा लिखा है वो बात करता है कि जब आप अग्रीमेंट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं अगर उसकी डेट सेम नहीं है, सेम एज द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में अगर आप ट्रांसफर करने का दिन और अग्रीमेंट करने का दिन आपका अलग अलग है तो किस दिन की एसडीवी ली जाती है, डेट ऑफ अग्रीमेंट की। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि अग्रीमेंट वाले दिन आपने कुछ ना कुछ पेमेंट ऐसे करी हो जो कि अदर देन कैश के थ्रू हो, तो अगर अदर देन कैश के थ्रू है कोई पेमेंट अग्रीमेंट पे तो डेट ऑफ अग्रीमेंट की एसडीवी कंसिडर की जाएगी। देखिएगा, Where the date of an agreement fixing the value of a consideration for the transfer of a asset and the date of registration of a transfer of asset are not same, the stamp duty value may be taken as on the date of agreement, agreement wali din ki stamp duty value le lenge, or transfer instead of the date of registration, registration wali SDV ko chhodkar hum agreement wale din ki SDV le lenge. For such transfer, provided condition क्या है, at least a part of the consideration has been received by way of an account pay check, account pay bank draft, or use of a ECS through a bank account, or through such other prescribed electronic modes on or before the date of agreement. बात वही है स्टूडेंट्स, बस इसको इन्होंने यहां पर फिर से रिपीट कर दिया। इन केस ऑफ अ पीजीबीपी, वहां पर यही बात हम पढ़ के आए थे इन केस ऑफ अ कैपिटल गेन। क्लियर है? नाउ
मैं आज की क्लास को यहीं पर रोक रहा हूं। आज की क्लास में हम कोई और सेक्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास पीजीवीपी में, एंड दैट विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट। मतलब ये बिल्कुल ऐसे मैं नहीं कहूंगा लास्ट है, इसके साथ मुझे आपको 5 सेक्शन डिस्कस करवाने हैं। तो 5 सेक्शन में मैं आपको 44AA कराऊंगा, 44BAB कराऊंगा, 44AD करना है हमें, 44AD, इसके बाद हम करेंगे 44ADA और फिर हम करेंगे 44AE। तो ये 5 सेक्शन अभी हमारे हैं पीजीवीपी में, विच आई विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ ये 5 सेक्शन डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर पाएंगे। इन 5 सेक्शन को डिस्कस करने के बाद आई विल कम विद वन अनदर सेशन, चाहे वो लाइव सेशन हो चाहे वो रिकॉर्डेड सेशन हो, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चन बैंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा पीजीवीपी का, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिसेस ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑन अ पीजीवीपी। तो आज की इस क्लास को यही रोक देते हैं। अगर आपको आज की क्लास से रिलेटेड या पिछले किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कहीं क्लैरिफिकेशन चाहिए, कहीं कोई इश्यू आ रहा है किसी प्रोविजन को समझने में, तो प्लीज आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कनेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालिए, या आप सीधा मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है और आप अभी तक कईयों के मेरे पास कॉल आ भी रहे हैं, तो प्लीज आप कनेक्ट रहिए, अपनी क्वेरीज साथ के साथ पूछते रहिए ताकि आपका बैकलॉग इकट्ठा ना हो। चलिए आज की इस क्लास को यही रोक देते हैं। काफी लंबा समय मैंने आपका फिर से आज ले लिया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, बट स्टिल ड्यू टू सम रीजन अगेन इट इज सो लॉन्गर, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं इतनी लंबी क्लास रखूं, बट स्टिल सम टाइम वी हैव टू डू इट। सो चलिए आज की इस क्लास को यही खत्म कर देते हैं। जल्दी आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।